तो सीपीसी की बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड आई एम श्योर सबको पता ही है, 1908 का है। इट्स कंसिस्टिंग ऑफ 51 ऑर्डर्स हैं। एंड श्रेष्ठा, एंड इट वुड बी न्यू फॉर यू श्रेष्ठा, तो प्लीज ज्यादा टेंशन मत लेना। अभी हम सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसको हम वैसे अपनी जो रेगुलर क्लास है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर 51, यस सर। ठीक है। और इसमें सेक्शंस कितने हैं? इसमें सेक्शंस है 1 to 158। और इन ऑर्डर्स के अंदर रूल्स होते हैं। तो एक अगर आप बैरेट को देखेंगे तो आधा बैरेट तो ऑर्डर रूल से भरा हुआ है, आधे में सेक्शंस हैं। ठीक है, हम शॉर्ट देखो, सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि हमारा माइंड ही सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, हम वैसे ही पढ़ते आए हैं। बट हमें रूल्स की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि कोर्ट के अंदर तो रूल्स ही चलेंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, सेक्शन भी चलते हैं, ये सबस्टेंटिव पार्ट है, ये प्रोसीजरल पार्ट है। ठीक है, और अगर इस प्रोसीजर में कोई बदलाव करना है तो हाई कोर्ट करती है, इसमें करना है बदलाव तो पार्लियामेंट करेगी। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कहां कहां से आते हैं। सेक्शंस में भी 158 सेक्शन है, तो सारे सेक्शन में से तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। 15 क्वेश्चन बनाने हैं, तो कुछ 15 क्वेश्चन उनको जो बनाने हैं उस फिलोसफी को देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल ऑफ कोर्स ही बात है, इसकी डेट तो आप देख ही लेना। फर्स्ट ऑफ विद इफेक्टिव कब से है ये? फर्स्ट ऑफ क्या नाम है इसका, जनवरी 1909 से है। आगे चलते हैं, पूरे इंडिया पे अप्लाई होगी ऑफ कोर्स ही बात है। सेक्शंस पढ़ रहे हैं पहले हम। अब इसका जो सेक्शन 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको। इसमें से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है ही। सेक्शन 2 में से सबसे पहले डिक्री आना ही है, आ सकता है। डिक्री के डेफिनेशन 2 के 2 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्री क्या होती है? देखो डिक्री के अंदर इसको अब आप इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स में शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसको ध्यान में रख लेना। जनरली एक होता है वैसे डिक्री है, सिविल केस में जाएंगे तो जब सूट फाइल करेंगे तो सूट में कोर्ट आपकी बात जब सुनेगा, या तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा या डिक्री पास पास करेगा, और या फिर जजमेंट देगा। ये 3 वर्ड्स आपको परेशान करेंगे, लेकिन बहुत आसान है और इसी पर पूरा आधार बेस है इसका, सीपीसी का। डिक्री है 2 के 2 में है, ऑर्डर नंबर है आपका 214, जजमेंट है 2 का 9, और एक वर्ड और आएगा यहाँ पे, मीन्स प्रॉफिट। ये 3 डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसको कई लोग मेस ने प्रॉफिट कहते हैं, मीन्स प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, 2 का 12 यहाँ पर आपके जो है डेफिनेशन खत्म होते हैं। भाई इनको हम समझ लेते हैं शॉर्ट में ये क्या कहते हैं, कि 4 ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक और देख लेना, फॉरेन कोर्ट्स की और देख लेंगे। फॉरेन कोर्ट्स क्या है? फॉरेन कोर्ट्स एंड फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, ये है आपका 2-5 और ये आपका है 2-6। ओके, सबसे पहले डिक्री की बात कर लेते हैं। डिक्री में देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बेसिकली डिक्री क्या है? जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट जब अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचती है ना, फाइनल डिसीजन पे, वो बात अलग है। देखो ऑफ कोर्स ही बात है, डिक्री 2 तरीके की है। प्रिलिमरी डिक्री होती है, फाइनल डिक्री है, और एक और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पार्टली प्रिलिमरी पार्टली फाइनल, ऐसे भी हो सकता है। वो हम सारा मेंस का क्वेश्चन है, वो हम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, बट हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। डिक्री क्या है? इट्स लाइक अ यू कैन से एक फॉर्मल एडजुडिकेशन है, एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट। जब कोर्ट कुछ चीज को डिसाइड करती है, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट, जो डिटरमाइन करती है राइट ऑफ द पार्टी, डिटरमाइंस, स्पेलिंग बाबा गलत होंगे, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द पार्टी, राइट्स ऑफ पार्टी, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, कंक्लूसिवली। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जब ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल करा होगा किसी के लिए, सपोज करो ए ने सूट फाइल कराया, सूट फॉर द पार्टीशन, जब ये पार्टीशन बिल्कुल अल्टीमेटली डिसाइड होगा कि ए का कितना हिस्सा बनता है, ये 2 भाई हैं, पार्टीशन का सूट फाइल करा ए ने, क्या पता 3 भाई हो,
चलो एक बहन भी लगा लेते हैं, ए ने सूट फाल गला पार्टीशन का, तो जो ए के फेवर में पूरा फाइनल डिसीजन जाएगा, जरूरी नहीं इसके फेवर में जाए, अगेंस्ट भी जा सकता है, जब कंक्लूसिवली राइट्स की बात होगी, राइट्स की निर्धारित होगी फाइनली, देन इट कॉल्ड अ डिक्री, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी, और जिसका एक राइट डिटरमाइन होगा तो सामने वाले की कुछ ना कुछ लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी, ये ज्यूरिसप्रूडेंस कहता है हमारा, ठीक है, किसी की राइट्स है तो किसी की लायबिलिटी है। ओके, सो जब ए बी सी डी के बीच में ये डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, अल्टीमेटली कोर्ट निर्धारित कर देगी कि किसका अधिकार बनता है, दैट इज कॉल्ड, वो जो निर्णय आएगा उसको बोलेंगे डिक्री। बट इस डिक्री के दौरान, इस यहाँ इस स्टेज तक पहुंचने के दौरान कोर्ट क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑर्डर भी पास करेगी बीच बीच में, ऑर्डर्स इन बिटवीन द कोर्ट विल पास लॉट ऑफ ऑर्डर्स। तो ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे 2K14 में? 2K14 में क्या लिखा है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं है, नॉट अ डिक्री, जो डिक्री नहीं है, यानी कोर्ट ने इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए, डिक्री तक पहुंचने के लिए कई सारे ऑर्डर पास किए होंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर पार्टीशन का सूट है तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया होगा, कोर्ट ने क्या पता एक इंटेरिम ऑर्डर पास किया है, इंटेरिम ऑर्डर में उसने क्या पास किया होगा, क्या पता एक लोकल कमिश्नर को अपॉइंट किया है, लोकल कमिश्नर को किस लिए अपॉइंट किया गया होगा पार्टीशन के सूट में, एलसी अपॉइंट हुआ है, एलसी अपॉइंट किस लिए किया गया होगा, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, भाई जाओ प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करो, प्रॉपर्टी में किसका कितना हिस्सा बन रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, ए कब्जे में है, बी कब्जे में है, कौन किसके कब्जे में है, किसके हिस्से में कितनी संपत्ति आ रही है, इसके लिए लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया होगा। तो ये जो ऑर्डर पास हुआ है ना, ये तो अभी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है, बीच की प्रक्रिया है, इस डिसीजन पे पहुंचने से पहले कई चीजें हमें करनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। और ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, कमिश्नर कहाँ अपॉइंट होता है, लोकल कमीशन 26, ठीक है, ऑर्डर नंबर 26, ऑर्डर 26 में पास होगा, तो ये इंस्पेक्शन करके अपने रिपोर्ट लाएगा, रिपोर्ट करेगा कोर्ट को दिखाएगा, यानी कोर्ट ने बीच में ऑर्डर दिया, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन नॉट अ डिक्री, यानी अभी अधिकारों की बात तो हुई नहीं, राइट्स तो डिटरमाइन हुए ही नहीं, तो राइट कब डिटरमाइन होंगे, जब डिक्री आएगी। डिक्री दो तरीके की हो सकती है, प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी डिक्री वो होती है जो अभी और चीज होनी बाकी है, अभी आप फॉर द टाइमिंग इससे खुश रहिए, ठीक है, अभी आप इससे खुश रहिए। जैसे अगर कोई सूट फॉर रिकवरी डालता है, सूट फॉर रिकवरी और मींस प्रॉफिट डाल दिया उसने साथ, भाई मुझे मेरा रिकवर चाहिए, सूट फॉर रिकवरी ऑफ लाइक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वापस चाहिए, और मींस प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट क्या होता है ये मैं बता दूंगा अभी आपको, तो कोर्ट ने क्या पता भाई पहले ये दे दे, चलो ठीक है, लेकिन मीन्स प्रॉफिट अभी बका बाकी है, अभी इसको निर्धारित करना बाकी है, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, पहले मीन्स प्रॉफिट दे दे, भाई रिकवरी का सूट अभी हम बाद में देंगे, तो अभी मीन्स प्रॉफिट पे तो प्रिलिमरी डिक्री पास कर दी। कि मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, जब कोई इंसान, सपोज करो आप मुझे बताना, ए जो है, ए जो है बी, ए इज अ लैंडलॉर्ड, बी इज अ टीनेंट, अब ये ए ने, ऑफ कोर्स ही बात है, इनके बीच में 11 महीने का कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई हम, मैं आपको संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ एज अ टीनेंट, आप रहना। अब 11 महीने हो गए, ये 11 महीने के बाद ऑफ कोर्स ही बात है जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द लैप्स ऑफ द टाइम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो गई ना इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसके बाद भी अगर ये रहे जा रहा है, इसने कहा भाई निकलो बाहर, ये नहीं निकलता है, अगर ये नहीं निकलता है तो इसका जो पोजीशन है वो कैसा है इस वक्त, इज इट अनलॉफुल पोजीशन, अनलॉफुल पोजीशन में है ना ये, और अगर ये अनलॉफुल पोजीशन में है तो ए को कोई ना कोई रॉन्गफुल लॉस हो रहा है ना, ए को तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ये इसकी कुछ 5,000 या 10,000 रुपये किराया आता था, अब नहीं आ रहा है, और यही संपत्ति अगर वो किसी और को देता तो भी पैसा आता, तो
अगर आप पढ़ेंगे मींस प्रॉफिट क्या होता है, मींस प्रॉफिट दोस प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद द ऑर्डिनरी डेलिजेंस माइट विद द ऑर्डिनरी डेलिजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। तो अगर इसने कुछ इम्प्रूवमेंट करे हैं तो वो नहीं माना जाएगा, अदरवाइज इसको जो इनकम होती और वो इसके पोजीशन में इस वक्त जो ये अधिकार रखता है वो नहीं है इसके पास, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है इसको, उसको बोलते हैं मींस प्रॉफिट। ठीक है, मींस प्रॉफिट, क्योंकि ये अगर किसी और को मकान दे देता तो उसको फायदा तो मिलता ही, अब वो नहीं मिल पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द बी इन अनलॉफुल पोजिशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको बोलते हैं मींस प्रॉफिट। तो ये मींस प्रॉफिट की डेफिनेशन दे रखी है 2 के 12 में। आई एम श्योर सब आप लोग पढ़ के तो आए होंगे इतना, क्योंकि प्रीलिम्स में जाने से पहले अगर आपको ये बातें नहीं पता तो इट इज़ अ यूजलेस टू आज की क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 2 घंटे में सीपीसी में मींस प्रॉफिट बहुत डिटेल में क्या होता है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं की जा सकती। ठीक है, अब मैं जल्दी से क्विकली दोबारा से जो मैंने अभी आपको कुछ सेक्शंस बताए हैं वो हम कर लेते हैं। 2D के अंदर मैंने डिक्री की बात करी है, 2K2 में डिक्री। तो डिक्री के कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं वो आप ध्यान रखना। डिक्री में कोर्ट एडजुडिकेट करती है किसी भी डिसीजन को, एडजुडिकेट, ठीक है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन करेगी यानी निर्णय देगी अल्टीमेटली, और इसमें कोई दावा होना चाहिए, सूट फाइल होगा, सूट फाइल होगा। सिविल केस कैसे स्टार्ट होता है, सूट फाइल होगा बिटवीन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट्स डिसाइड होंगे पार्टीज के, और क्या होगा इसमें कंक्लूसिवली डिटरमाइन होता है, तभी तो डिक्री आएगी। जब तक कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो कोई डिक्री नहीं पास हो पाएगी, प्रिलिमिनरी फिर भी हो जाए, एंड देयर वुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये डिक्री के एसेंशियल्स हैं। डिक्री के अंदर एक चीज जरूर देख लेना, डिक्री के अंदर एक डीम्ड डिग्री वाली बात की गई, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, डीम्ड डिग्री क्या होगी अगर ऑर्डर नंबर 711 रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट है तो डीम्ड डिग्री लिखना है आपको, उसको डिग्री ही कंसीडर होगी। ठीक है, और एक और है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 144 के अंदर एक प्रक्रिया है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी सपोज करो, ये आई एम श्योर ये आपको आता ही होगा, रेस्टिट्यूशन क्या है, ए ने बी के खिलाफ को सूट फाइल करा, ये फेवर ए के फेवर में चला गया, तो बी के अगर कब्जे में था तो इसको वापस देना पड़ेगा ए को कब्जा। अब सपोज करो बी ने यहाँ पे अपील कर दिए, तो अपील में क्या हुआ, अपील में बी जीत गया, तो अब ए को वापस देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा हो गया 2-2 एंड 2-5। एक बार देख लेते हैं फॉरेन कोर्ट्स क्या होता है। ऑफ कोर्स ही बात है, फॉरेन कोर्ट क्या होगी, 2-5 फॉरेन कोर्ट इंडिया की कोर्ट तो है नहीं, जो ऐसी कोर्ट जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यू बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, अब ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसे भारत सरकार ने स्थापित ना किया हो या इंडिया के जो बाहर हो। 2-6 मीन्स द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, इसको हम किसके साथ पढ़ेंगे, 2-6 को हम पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर 13-14 के साथ। ठीक है, सेक्शन 13 और 14, ठीक है, वो भी फॉरेन कोर्ट की जजमेंट से बात है, कब वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, हमारे इंडिया के लॉ के विपरीत नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीजन जो आ रहा है। जजमेंट इंपॉर्टेंट है, 2-9 सेक्शन से याद करना जजमेंट क्या है। देखो होता क्या है, जजमेंट क्या है, जजमेंट आपने देखा होगा कई बार, आपने सुना होगा भाई 50 पेज की जजमेंट है, 100 पेज की जजमेंट है, 200 पेज की जजमेंट है। तो जजमेंट क्या होता है, जजमेंट में सारे रीजन लिखे होते हैं, रीजन आपने एक प्रिंसिपल सुना होगा, रीजंड डिसीजन, सुना ये वर्ड, इसका मतलब होता है जब भी कोर्ट कोई निर्णय पे पहुंचेगी तो उसके पीछे क्या कारण रहा पहुंचने का वो होता है। तो सेक्शन 2-9 क्या लिखा है, मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिग्री, ग्राउंड का मतलब ही रीजन डिसीजन है। ठीक है, अभी मेंस की क्लास नहीं है तो मैं आपको ग्राउंड को मतलब यही है रीजन डिसीजन, जिस निर्णय पे पहुंच रही है चाहे डिग्री हो या ऑर्डर हो उसके पीछे आधार क्या है, बेस क्या है। 2-9
ये ध्यान रखना बस, ठीक है, सेक्शन याद रखना है। जजमेंट डेटर कौन होता है? 210 भी एक शॉर्ट में देख लेते हैं। एक होता है जजमेंट डेटर, एक होता है डिक्री होल्डर, ठीक है। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिसीजन आया है। डिक्री डिक्री जो होल्ड कर रहा है, यानी जिसके फेवर में डिसीजन आया है। जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट आया है, ठीक है। तो ये हम ऑर्डर नंबर 21 में इसका ज्यादा यूज होगा, जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर है। उसमें रूल्स हैं 106 रूल है, ठीक है, सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आधा सीपीसी कवर कर रखा है इसमें। सेक्शन भी सबसे ज्यादा है। सेक्शन भी कहाँ से है? सो द सेक्शन हाँ जी, सेक्शन भी सबसे ज्यादा है इसके। एक बार सेक्शन देख लेते हैं, जो हमारा ये ऑर्डर नंबर 21 है ना, एग्जीक्यूशन का 36 से स्टार्ट हो रहा है, 74 तक जाता है। तो ऑलमोस्ट आधा सीपीसी तो इसने ही कवर कर लिया एग्जीक्यूशन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये एग्जीक्यूशन अगर आज पढ़ने जाओगे ना, आपका पेपर हो, ये हम कर ही नहीं पाएंगे। और इसमें से हार्डली 2 क्वेश्चन आ जाए 15 में से 2, तो मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन आएंगे 15 में से, अगर आते हैं तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मैं बता भी दूंगा कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है डिक्री के पीछे जाके देख सकती है कि पीछे वाली कोर्ट ने क्या किया है? बताइए आंसर, क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो देख सकती है? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री पास बाय दी जिस कोर्ट ने भेजी है एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या नहीं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सर, सेम कोर्ट होगी? इट इज कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, बस उस उन मैटर्स तक जा सकती है। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के पीछे जाके नहीं देखती कि मैं एक बार देख लूँ क्या निर्णय रहा, क्या रीजन रहा। कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं हो। तो क्या पता कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दिल्ली की कोर्ट है, एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रहा है मामला, मामला यूपी में होना है, तो यूपी की कोर्ट क्यों टेंशन लेगी कि दिल्ली की कोर्ट किस कारणवश ये जजमेंट दी, डिसीजन दिया, डिक्री दी, उसे क्या मतलब। वो आगे बढ़ेगी, एग्जीक्यूट करा देगी बट डिक्री को, ठीक है। तो पीछे जाके, यानी पीछे जाने का मतलब क्या, डिग्री के अंदर घुस के नहीं देखती वो, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल देखेगी और ना ही रेक्टिफाई करेगी चीजों को। हाँ, छोटी मोटी चीजें जो हैं प्रॉब्लमेटिक है, दैट कैन बी सॉर्ट आउट। जैसे सपोज करो कोई डिग्री एग्जीक्यूट करते हुए कोई तीसरा बंदा कह रहा, भाई इसमें तो मेरा हिस्सा है, तुम मेरी प्रॉपर्टी को छीन रहे हो, तब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का रोल आता है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, विल डू इट इन अ मीन्स। ये वो क्या रोल है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेंगे तो ऊपर ऊपर से पूछेंगे। ओके, सो मैं एक बार इसका पूरा चार्ट बना लेते हैं हम इसका। पहले ये कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं, देन आल डिस्कस के इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बिकॉज सीपीसी है बहुत आसान, लेकिन बड़ा बहुत है और इतना भी बड़ा नहीं है, हो जाता है आसानी से। तो जजमेंट हमने देख ली, 29 मीन्स प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, 212 ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर विच इज़ नॉट अ डिग्री, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। और ये जजमेंट डेटर की डेफिनेशन जरूर ध्यान रख लेना, 210 में दे रखी है, 210 में जजमेंट डेटर। कुछ इनके डेफिनेशन ऐसे ही याद करनी है, जजमेंट डेटर। चलो आगे चलते हैं फिर 3 में को। अब इसमें क्या है, हम सेक्शंस हैं, सेक्शंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम ऑर्डर्स भी करेंगे, ऑर्डर बाद में करेंगे, पहले सेक्शन कर लेते हैं। सेक्शन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलता हूँ। 3 में कुछ नहीं है, 4 5 कुछ नहीं है, 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं रिवेन्यू कोर्ट यहाँ वर्ड लिखा है ना, 5 में जो रिवेन्यू कोर्ट लिखा है, क्योंकि आप अब जा रहे हैं एमपी का पेपर देने, तो एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी अथॉरिटीज हैं रिवेन्यू, जितने भी ऑफिसर्स हैं वहां पे जो दे रखा है रिवेन्यू ऑफिसर, दे आर ऑल्सो कंसिडर एज अ रिवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो अगर आप एमपी लैंड रिवेन्यू एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जब भी एडजुडिकेटिंग पावर जो रिवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको ही रिवेन्यू कोर्ट कहा गया है। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 कहता है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार क्या होता है, कई बार किसी कोर्ट की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तय होती है। जैसे अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूं, दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला जाएगा,
डायरेक्ट जाएगा, अगर उससे नीचे का मामला है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, दैट इज अ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। भाई इतना ध्यान रखना, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो अगर 2 करोड़ से नीचे का मामला है तो नीचे चलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट से नीचे। और आपने देखा होगा दिल्ली में भी सिविल जज की भी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, 5 लाख रुपए तक के मैटर देखते हैं, ठीक है, बहुत कम माम ज्यूरिसडिक्शन दे रखी है उनको, छोटे मोटे मामले ही रहते हैं, 5 लाख रुपए की तो आज की वैल्यू नहीं है। तो ऐसा हरियाणा में नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा, 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9 जो है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सिर्फ आपको इतना समझना है, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं पे ध्यान रखना, बाकी आप लोगों ने तो पढ़ ही लिए होंगे। 9 कहता है कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट, सिविल सूट अनलेस बार्ड, तो अनलेस बार्ड पे ध्यान रखना, जब तक कोई मामला स्पेसिफिकली बार्ड नहीं है सारे मैटर सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी, सिविल नेचर के जो है, सिविल सूट सिविल कोर्ट में जाएंगे अनलेस बार्ड। अनलेस क्या लिखा है यहाँ पे, बार्ड, इसका मतलब मैं अभी एमपी से ही बता देता हूँ आपको। जब एमपी में रिवेन्यू कोर्ट बनी है, जब एमपी में रिवेन्यू कोर्ट्स बन गई है एमपी लैंड रिवेन्यू एक्ट के तहत, तो मामला यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा मामला, अगर कोई भूमि स्वामी के राइट्स को लेकर है तो भी जाएगा, कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा, रिवेन्यू कोर्ट जाएगा, और वो इसलिए ही जाएगा क्योंकि दैट इज अ बार्ड, दैट वहां पे एक सेक्शन भी है जहां पे अगर आप पढ़ोगे नो सिविल कोर्ट विल टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ एन, नॉट अ कॉग्निजेंस मतलब ये बार्ड है ना, तो अगर ये बार्ड है तो ये मामला यहाँ जाएगा, एक्सप्रेसली बार्ड, अगर बार्ड नहीं है तो यहाँ जाएगा। अब मैं इस पे एक केस भी बता देता हूँ, क्या पता वैसे तो पूछेंगे नहीं, वो बड़ा ही सिंपल सा केस है, गुंडा जी सत्वाजी शिंदे का केस था, सुना है कभी? यस सर। गुंडा जी सत्वाजी शिंदे का, उसमें यही था कि वो एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है, वेदर इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, तो कोर्ट ने कहा भैया जब यूपी के एक सेक्शन 85 के अंदर यूपी एक्ट था कोई, उसके अंदर लिखा है कि ये एग्रीकल्चरिस्ट कौन डिसाइड करेगा, ये रिवेन्यू कोर्ट डिसाइड करेगी, देन हाउ यू कैन डू इट, तो इट इज अ इंसिडेंटल मैटर है या नहीं है। अरे इंसिडेंटल हो या ना हो, जब कानून में लिखा है इस बात को डिसाइड करने की पावर रिवेन्यू कोर्ट के पास है, तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, रिवेन्यू कोर्ट नॉट द सिविल कोर्ट। तो सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं आता है। आगे चलते हैं, 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, सेक्शन 10 देखो हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए ये किस चीज का है, रेस सब्जुडाइज का है, रेस सब्जुडाइज, अगर कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, अगर कोई मैटर ऑलरेडी चल रहा है बिटवीन द सेम पार्टी, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज डायरेक्टली सब्सटेंशियल इन द इशू, सेम टाइटल, सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, ठीक है, किसी और कोर्ट में भी अगर वो पेंडिंग है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन जो सेम लेवल का है कोर्ट का, कोर्ट की जो पावर है वो सेम लेवल की, कहने का मतलब ये है अगर कोई मैटर 30,000 में पेंडिंग है, शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, देखो ऑफ कोर्स ये बात है, अब एमसीक्यू में ऑप्शन तो होते ही चार में से एक लगाना है आपको, यानी आपके सामने कुछ तो नजर आ रहा है, डेफिनेटली यू कैन डू इट, 30,000 काइंडली म्यूट यू माइक प्लीज, 30,000 और कड़कर डूमा जो है ना ये सेम पैरेलल कोर्ट है एक तरीके की, बट इनका एरिया अलग है, 30,000 कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब यहाँ पे कोई सिविल जज बैठे हैं, यहाँ पे भी सिविल जज बैठे हैं, आपने यहाँ मैटर चल रहा है आपका, आपको लगता है भैया मेरा मामले का डिसीजन जो है यहाँ अच्छा नहीं आएगा, तो आपने क्या करा भाई, यहाँ पे भी सूट फाइल कर दिया उसी इंसान के खिलाफ, तो यहाँ पर ये बार्ड है, आप यहाँ फाइल नहीं कर सकते, मैटर पेंडिंग है ना आपका, लेट दी कोर्ट डिसाइड, जब कोर्ट डिसाइड कर देगी पेंडिंग मैटर की आप अपील कर सकते हैं ना, बट आप ऐसे तो यहीं घूमते रहेंगे, देर मस्ट बी एंड ऑफ लिटिगेशन, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, ये इस रेस सब्जुडाइज है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी होता है मामला, ठीक है, जब मैटर पेंडिंग है, सेक्शन 11 बहुत बार आता है और आ सकता है, ये पेंडिंग मामला है ये डिसाइडेड है, रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है,
जूडी काटा। हाँ जी बताइए जरा, हम देखे जरा रेस जूडी काटा का मतलब क्या है। वैसे थिंग डिसाइडेड, ठीक है यही लिखना है, थिंग डिसाइडेड। तो जो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है दैट कैन नॉट बी री एजिटेटेड अगेन इन द सेम कोर्ट और इन द लेवल ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर मामला 30,000 ने जब डिसाइड कर ही दिया है तो मैं कड़कड़ डूमा दोबारा क्यों जाऊं उस मामले को लेकर, बट डेफिनेटली अपील कर सकूं तो अपील कर लो, यही वो कहता है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उस पर ध्यान देना, इसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, डायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्सटैंशियल इन द इशू, सब्सटैंशियल इन द इशू मुकदमा कहीं ना कहीं सेम तरीके का रहा बिटवीन द सेम पार्टीज, लेटिंग एटिंग अंदर सेम टाइटल, सेम टाइटल में यानी ए वर्सेस बी, ए वर्सेस एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, किसी और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और वो जो कोर्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए जिसने मैटर ट्राई किया है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, और मामला जो है सुना गया है और फाइनली डिसाइडेड हुआ है। अब कई बार क्या होता है अगर प्रिलिमिनरी ये मैरिट पे डिसाइड होना चाहिए मामला, ठीक है मैरिट पे ही डिसाइड होना चाहिए, मतलब पूरा सुनने सुनने के बाद, ऐसा नहीं कि प्रेमे फेसाई रिजेक्ट हो गया प्राइमे फेसी, ठीक है। अगर वो शुरू में ही रिजेक्ट हो गया तो डेफिनेटली भैया मेरी बात जब सुनी नहीं गई तो रेस जुडिकाटा कहाँ से अप्लाई होगा, ठीक है। रेस जुडिकाटा तभी अप्लाई होगा जब मैटर पूरा एडजुडिकेट हुआ हो ढंग से मैरिट पे। अब इसके लिए मैंने आपको पेपर में मुझे लगता नहीं है एमपी में कभी मैगजीन पूछे गए, मैगजीन पूछे गए हैं आपके रेस जुडिकाटा के? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन तीन मैगजीन है इसके, तीन मैगजीन है वो मैं, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट होगा। इंटरेस्ट रिपब्लिक के उठ सिट फिनिश लेटियम, सुना है वर्ड? सुना है ये? इंटरेस्ट के बाद रिपब्लिक लिखना है, रिपब्लिक के फिर यहाँ पे उट सिट लिखना है, ये मैं मेंस में कराऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिनिश लिटियम, लिटियम इट इज ए इंटरेस्ट ऑफ द, इसमें क्या कहा गया है कि इंटरेस्ट रिपब्लिक उट सिट फिनिश लिटियम दे मस्ट बी एंड ऑफ लिटिगेशन, अंत होना चाहिए ना, पेंडिंग ही रहेंगे ऐसे तो। अगर एक एक 30,000 के बाद मैं कड़कड़ डूमा चला जाऊंगा, कड़कड़ डूमा के बाद द्वारका चला जाऊंगा, द्वारका के बाद पटियाला चला जाऊंगा, रोहिणी चला जाऊंगा, एक कोर्ट और बचे वहां पे भी चला जाऊंगा, अरे मैं तो घूमता ही रहूंगा एक केस को लेकर, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बेटर है ना अंत होना चाहिए मुकदमेबाजी का। अब इसमें मेरे को नहीं लगता ये मैगजीन पूछ रहे हैं, अदरवाइज तीन मैगजीन थे वो मैं बताता, बट फिर भी इसको जरूर ध्यान रख लेना। और एक मैगजीन और है नेमो डेबिट बिस्विक्सारी, नेमो डेमेट बिस्विक्सारी प्रो उनो इट एडन कॉजा, सुनाई दिया? नेमो डेमेट बिस्विक्सारी प्रो उन एट एडन कॉजा, जिसका मतलब है नो वन कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस, एक ही मामले के लिए दो बार नहीं जाया जाएगा जुडी। और एक और है इसका लास्ट मैगजीम है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेड ओसी पीचर, ओसी पीचर का मतलब यहां पर क्या हुआ के वट एवर द जुडिशियल डिसीजन जो आ रहा है मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट, ठीक है उसको करेक्ट ही माना जाएगा कि भाई हाँ जज कभी किसी के अगेंस्ट थोड़ी ना जाता, जज इसलिए तो कहा गया इक्वल टू गॉड है वो। और एक मैं मैगजीम आपको पहले ही बता चुका हूँ वो एक्टस, वो मेन्स में लिखना है आपको, कम से कम 40-50 ऐसे मैगजीम अगर आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना वो 3-4 मैगजीम भी, यू विल गेट अ गुड आंसर। जज की जहाँ पे पावर है, जज को लगता है जहां पे उसने जो भी डिसीजन लिया इन गुड फेथ में ले रहा है, एक मैक्सिमम आपको आंसर में जरूर लिखना है, ठीक है कौन सा लिखोगे? एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवावित, याद हुआ नहीं हुआ? हाँ जी क्या नाम है आपका, याद हुआ या नहीं हुआ? यामिनी अर्चना सीमा जी याद कर लेना, मैक्सिम लिस्ट दे दूंगा कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल है जिसको मेंस में लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। 11 में जो हम रेस जुडिकाटा पढ़ रहे हैं, इस रेस जुडिकाटा के ना ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है
बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक मेरे को लगता है ये तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये आपने एक्सप्लेनेशंस पढ़ ली हैं। हाँ जी, पहला यस सर। वाला एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर्मर सूट। क्या होता है फॉर्मर सूट? जो फॉर्मली डिसाइड हुआ हो, डिसाइडेड फॉर्मर सूट का मतलब है। हाँ बोलिए। चलो सीमा जी माई म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं, बट यू मे लिसन इट। फॉर्मर सूट क्या है? देखो फॉर्मर सूट में यहाँ पे लिखा है शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर। डिसाइडेड प्रायर पे फोकस रखना है आपने, सब कीवर्ड्स देखने हैं बस, ठीक है। और decided prior to the suit in the question whether or not it was instituted prior thereto, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले डिसाइड होगा ना, डिसाइडेड प्रायर, चाहे उसको हमने पहले स्टार्ट किया हो या बाद में, whether or not it was instituted prior thereto, ठीक है, ये माना जाएगा फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट क्या माना जाएगा जल्दी बताइए। फॉर्मर सूट which is decided earlier or prior irrespective of the fact whether it was instituted earlier or not. इसका मतलब क्या है? एक सूट मैंने तारा 1 जनवरी को 2019 को फाइल करा सूट, एक मैंने सूट फाइल कर दिया 1 जनवरी 2020 को। अगर सपोज करो इस वाले का डिसीजन आ गया 1 जनवरी 2021 का और ये अभी भी पेंडिंग है, तो फॉर्मर सूट कौन सा कहलाएगा? ये दूसरी सिचुएशन है। बताइए फॉर्मर सूट कौन सा कहलाएगा? द सेकंड वन। ये कहलाएगा फॉर्मर सूट, ठीक है, जो पहले डिसाइड, ये डिसाइड हो गया ना, ये पेंडिंग है, चाहे ये बाद में स्टार्ट हुआ, बस इतना ही ध्यान रखना है। सेकंड, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इन रेस्पेक्टिव ऑफ द एनी प्रोविजन इन द रिस्पेक्ट टू द अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द सूट। अब कॉम्पिटेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, कोर्ट की। कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा तभी तो कुछ डिसाइड कर पाएगा। अब मैं बहुत क्विकली चल रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज इट्स ऑलरेडी बीन हाफ एन आवर और मुझे ये कवर करना है पूरा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सेक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर टू, थर्ड में क्या लिखा है? द मैटर अबव रेफर टू द मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी डिनाइड एक्चुअली इन द इशू होना चाहिए मामला, ठीक है, एक्चुअली इन द इशू। एक हाँ, एक एक पार्टी कहती है कि हाँ क्या नाम है एडमिट करती है, या दूसरी पार्टी डिनाइड कर रही है। एक पार्टी एलेज कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाइड कर रही है, या कुछ पार्ट एडमिट कर रही है, कॉन्ट्रोवर्सी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एडजुडिकाटा। अगर आपके पास, जब आपने सूट फाइल करा, आपके पास अपने बात को रखने के जितने भी ग्राउंड से अटैक करने के लिए, तो यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट विद ऑल द ग्राउंड्स। ऐसा नहीं है कि आज आप एक ग्राउंड लेके आ रहे हैं, बाद में केस आपके अगेंस्ट चला गया, आप दूसरा ग्राउंड लेके आ रहे हैं, कोर्ट मना कर देगी, भाई तब क्यों नहीं लेके आए? इसका सबसे लीडिंग केस कौन सा है? नवाब हुसैन। हाँ जी, नवाब हुसैन, ठीक है। पहले वो कहता है कि मेरे को जो डिसमिस किया गया, मुझे नौकरी से जो डिसमिस किया गया, मुझे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया, मुझे हेयरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इसका केस रिजेक्ट हो जाता है। बाद में कहता है भैया मेरे को है ना, मेरे को जिसने अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उसने, उसके नीचे वाली अथॉरिटी ने मुझे डिसमिस करा, जो कि गलत है। तो भैया ये बात पहले कह देता ना, इसी टाइम कह देता तेरी बात सुन लेते, तो कोर्ट ने कहा नहीं अब नहीं सुनेंगे, जाइए घर। फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अगर प्लेंट में आपने कोई रिलीफ मांगी है, इफ यू आर आस्किंग फॉर दी एनी रिलीफ, रिलीफ अगर आपने लिखी है, अगर वो नहीं मिली, कोर्ट ने अगर वो नहीं ली दी, तो उसका मतलब क्या, ये रिफ्यूज मान ली जाएगी, इट इज कंसीडर्ड एज अ रिफ्यूज। सिक्स क्या है? सिक्स डील करता है कर्ता पे, कर्ता या एल आर। आप ये मान के चल लीजिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जरूरी नहीं है, जब हमने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था तो लिमिटेशन में हमने देखा था भाई कर्ता भी तो बहुत सारी चीज़ें करता है पूरे अपनी सोसाइटी के लिए, आई मीन सॉरी परिवार के लिए,
या फिर कोई एक ऐसा सूट हो सकता है जो ऑन बिहाफ ऑफ द पूरी जनता के बिहाफ पे फाइल कर दिया गया, जैसे गांव की कोई समस्या है तो दैट कैन बी डन, उसमें भी रेजुटी काट अप्लाई हो जाएगा। कर्ता ने अगर फाइल कर दिया है तो उसका बेटा ये नहीं कह सकता मैं तो मानूंगा नहीं, वो तो करता था मैं तो बेटा हूँ, तो बाइंडिंग है बेटा। ठीक है, अब और डिटेल में बाद में बात करेंगे, शॉर्ट में समझ रहे हैं। सेवन, सेवन में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव इंपॉर्टेंट रहेगी, फॉर्मल सूट चार वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें कुछ नहीं है, इट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, ये एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है भाई, इसको इतना ध्यान रखना है अभी के लिए। और लास्ट जो है हमारी एट, एन इशू हर्ड एंड फाइनल डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ द लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, इसको अभी सिर्फ आप, क्योंकि इस पे ना पूरा मेंस का क्वेश्चन आ सकता है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, सिर्फ इतना ध्यान रखो क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एमपी का पेपर है, दिल्ली का होता तो बहुत डिटेल में जाके समझाता मैं, तो इसमें एक वर्ड यूज है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, तो वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा रेजुडी का, बस इसको इतना ध्यान रखना, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, एग्जीक्यूशन, कर्ता, प्लेंट, रिफ्यूज, रिलीफ रिफ्यूज, कंसिडर एज रिफ्यूज मान ली गई है, कंस्ट्रक्टिव रेजुडी काटा, और ये एक्चुअली इन द इशू कोर्ट कॉम्पिटेंसी पे डील कर रहा है, और लास्ट सबसे पहला फॉर्म है, ये आठों पॉइंट ध्यान में रखने हैं, बस इस पॉइंट से ही रखने हैं, बाकी बहुत डिटेल का क्वेश्चन है, पूरी कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास चाहिए इसको रेजुडी काटा को डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, तो हम बाद में करेंगे, अब ये 12 छोड़ो, 11 छोड़ो, 11 के, हाँ एक चीज है 11 के अंदर ना, ये सॉरी क्या नाम है इसका, 13-14 के अंदर ये जरूर पढ़ लेना आप कि फॉरन जो, व्हेन फॉरन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, फॉरन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं होगी, नॉट कंक्लूसिव, ये जो आपके अंदर जो इसमें लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। जैसे अगर कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो वो डिसाइड कैसे कर देगी, कोर्ट ने मेरिट पे डिसाइड नहीं करा वो भी गलत होगा, कंक्लूसिव नहीं मान, कंक्लूसिव क्या है जब सब चीज डिसाइड हो रही है, जब कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो बात ही कैसे डिसाइड कर सकते, कर ही नहीं सकती, कॉन्ट्रोवर्सी डिसाइड नहीं कर सकती, मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है, और या फिर उसने इंडिया के लॉ को मानने से इनकार कर दिया, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट चली गई, या फ्रॉड करा है, मतलब जो डिसीजन है वो फ्रॉड के जरीके से ले लिया किसी पार्टी ने, और ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन द इन इंडिया, ठीक है, और शैल प्रेज्यूम वाली बात है 14 में, बस इतना ध्यान रखना है, फॉरेन जजमेंट जो है बाहर की हम मान के चलेंगे, हाँ ठीक आ रही है अगर सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने दे दी है। 15, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 से लेकर 20 तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई गेस ही पढ़ लिए होंगे आपने। Yes, sir. अब सेक्शन 15 जो है वो अपने आप में 100% यहाँ से मुझे लगता है एमसीक्यू क्वेश्चन तो वो पूछने ही चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, और सॉरी 16 में, 15 में तो एक बेसिक बात की गई है, लोवेस्ट ग्रेड से स्टार्ट होगा मैटर, सबसे नीचे की अदालत से, ठीक है, अब ऑफकोर्स ही बात है डिपेंडिंग अपॉन दी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी, जैसे मैंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इसलिए 2 करोड़ का मामला जाता है, बट हरियाणा में कोई भी मैटर होगा लोएस्ट ग्रेड से स्टार्ट होगा, दिल्ली में भी लोएस्ट ग्रेड से होगा लेकिन हमारी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तय कर दी गई है। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो सूट टू बी इंस्टीट्यूट कहाँ मामला स्टार्ट होगा, जब सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन, ऑफकोर्स ही बात है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, भाई 30,000 ही कोर्ट है, मेरा मामला 30,000 ही कोर्ट का है, मेरी प्रॉपर्टी भी 30,000 ही कोर्ट के पास है, कमला नगर में है सपोज, तो मामला तो 30,000 में जाएगा ही, तो ये भी तो देखना पड़ेगा क्या इसको सिविल जज डिसाइड करेगा या सीनियर सिविल जज डिसाइड करेगा या एडीजे साहब करेंगे या हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ये पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी तो देखना पड़ेगा, माना कि भाई प्रॉपर्टी मैं सही कोर्ट में आया हूँ लेकिन इसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन किसका बनता है, 5 लाख से ऊपर जाऊं मेरा मामला तो 20 लाख का है तो सीनियर सिविल जज डिसाइड करेगा। अब इसमें क्या देखना है आपको, इसमें ए बी सी डी एफ जी 6 पॉइंट है ए से लेकर एफ तक, इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे वो इमोवेबल प्रॉपर्टी को कवर कर रहे हैं जनरली,
बट एक जो पॉइंट है एफ वो किसको डील करता है, वो मोबाइल प्रॉपर्टी को करता है, और प्रॉपर्टी सिचुएटेड की बात है ना, वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, जहां प्रॉपर्टी है। कमला नगर में प्रॉपर्टी तो कमला नगर का मामला 30,000 कोर्ट जाएगा, ठीक है। कुछ फेमस ही नाम मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को फरीदाबाद के बारे में या कोई और स्टेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं कि उसका वहां का मामला कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ जो रिनाउंड नेम है कमला नगर का रोल बाग, आप सब पूरी इंडिया क्या दुनिया ही जानती है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखोगे रिकवरी का मामला है, फॉर द रिकवरी इमोल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट, पार्टीशन का सूट है कोई, फोरक्लोजर का है। फोरक्लोजर का मतलब किससे रिलेटेड है, मॉर्गेज से रिलेटेड है, रिडीम मॉर्गेज सेल, ठीक है। चार्ज क्रिएट किया गया है फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एनी अदर राइट ऑफ द इंटरेस्ट इन द इमोवेबल प्रॉपर्टी, कंपनसेशन रॉन्ग टू द मोवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपने इमोवेबल प्रॉपर्टी में कुछ टॉर्ट्स कर दिया, कुछ गलती करी है, गलत करा है, सिविल रॉन्ग करा है, और उसके चलते आपने कुछ मुआवजा लेना है, तो भाई प्रॉपर्टी के अंदर हुआ ना, जैसे ट्रेसपास कर दिया गया होगा। कमला नगर की प्रॉपर्टी में अगर कोई घुस गया, वहां पे कुछ हड़दंग वड़दंग कर दिया, हड़दंग, देन ऑफ कोर्स द मैटर वुड लाई टू द 30,000 कोर्ट, रिकवरी ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ मोबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। कोई प्रॉपर्टी जहां अटैच की गई है या डिस्ट्रेंट में है, जैसे कुर्की कर ली है, मोबल प्रॉपर्टी है डिस्ट्रेंट में है, अटैच कर ली गई है, तो जहां अटैच की गई है वहां पर हो सकता है। Shall be instituted in the court within the local jurisdiction of the whose the property से, जो जहाँ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी इसके कुछ एक्सेप्शन भी है नीचे, रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइजो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसमें, ठीक है। अब ये बहुत डिटेल है, प्री मेन्स के लिए तो बहुत अच्छे रहेंगे क्वेश्चंस, आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार 15 को पढ़ लेना आप, ठीक है, 15 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में जाके। प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, प्रोवाइड द सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिलेटिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग। लेकिन ये बात कर रहा है सिर्फ किसकी, ऊपर की तो सिचुएशन ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले तो जो पांच पॉइंट है वो तो ठीक है। प्रोवाइड द सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग टू इमोवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई कंपनसेशन का मामला है और इमोवेबल प्रॉपर्टी वहां पे इन्वॉल्व है, held by or on behalf of the defendant may where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience be instituted either in the court within the local limits of the whose jurisdiction the property is situated। तो अगर compensation वाले मामले हैं तो यहाँ पे भी मामला, ये जो नीचे जितने भी points लिखे हैं वहाँ पर भी मामला लगा institute किया जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे defendant situate कर रहा है, jurisdiction of the defendant, जहाँ पे defendant actually voluntarily residing carries on a business, but वो भी कब, जब compensation की बात है, ठीक है, in relief। अदरवाइज तो वो पांच जगह जो है वो है। हाँ जी सर, ये रेस जुडिकाटा का जो एट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार मैंने पढ़े, मतलब तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर लिमिटेड जुडिक्शन था और वो ट्राई कर दिया सूट उस कोर्ट ने, तो उस पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा। एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुडिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए ना। लिमिटेड जुडिक्शन क्या होता है, जैसे वो 20,00,000 तक का ही मामला डिसाइड कर सकता है, ठीक है, ठीक है। शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट, बाद में अगर कोई सूट फाइल हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग द सच कोर्ट ऑफ द लिमिटेड वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, चाहे वो नॉट विद स्टैंडिंग होता है, इसको ऑब्स्टैंटिव नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज बोलते हैं, ऐसा होता हुए भी द सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। अब देखो चाहे वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी, वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, सिर्फ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है, टू ट्राई सच सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज, चाहे बाद में उसने कुछ रेज करा कि भाई प्रीवियस कोर्ट जो थी। देखो एक चीज होता है इसमें ना, कुछ मेन्स के क्वेश्चन आंसर छुपे हुए इसमें, आपको पता है कि ये कोर्ट जज का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो आपने एक मैटर को रेज क्यों नहीं करा, व्हाई यू हैव नॉट रेज द ऑब्जेक्शन। माना कि ज्यूरिडिक्शन का मामला जो है किसी भी टाइम पे उठाया जा सकता है, बट लॉ ये कहता है भाई अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उठा देना चाहिए, केस कोर्ट का मामला नहीं है, ठीक है। अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ज्यूरिडिक्शन का मामला रेज उठा दीजिए, ऑब्जेक्शन है उठाइए, नहीं उठाया
तो यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन रॉन्ग, आप ही गलती कर रहे हो, आप फायदा नहीं लेंगे। तो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के मामले में अगर मामला आ गया है तो वो रेस जुडिकाटा उस केस को कैंसिल नहीं कर देगा जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। भाई इतना ही पढ़िए, पूरा मेंस का है ये, मैं बोल तो रहा हूँ। एक मैं अपनी बताऊँ, अपना जो हमारा कोचिंग सेंटर था, जो सीपीसी पढ़ाते थे, दूसरे सर पढ़ाते थे, उन्होंने 4 दिन लिए थे, 4 दिन मतलब 8 या 10 घंटे लिए रेस जुडिकाटा को। मुझे समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रहे थे वो, मतलब इतना डिटेल में। मुझे ये बता दीजिए कॉम्पिटेंसी और लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन में फर्क है क्या यहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया कुछ कोर्ट्स हैं जिनका सिर्फ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन ही है, वो उतने ही मामले तक का ही डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 20 लाख तक का डिसाइड करना है। तो अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया, उससे बड़ा मामला भी कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे 20 लाख तक का मामला है लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जब प्लेंटिव जब कोर्ट में आया है तो वो प्लेंटिव कई बार अपनी सूट की वैल्यू डिसाइड करता है, कई बार उससे ज़्यादा बढ़ भी जाती है बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। 20 साल लग जाते हैं ना मामला डिसाइड होने में, तो अगर मामले की जो वैल्यू बढ़ भी गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी देखो काफ़ी सारी चीज़ें हर्षना अभी, तो इसमें आई कैन नॉट डेल इन अ टू मच डिटेल क्योंकि पूरा सीखने से पहले मैं प्रॉपर्टी के जो लॉज है वो भी समझाने पड़ेंगे कोर्ट की, जहाँ पे पैकिंग और रेजोल्यूशन। आपको इसको सिर्फ ना जहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना उसको ध्यान में रखना है कि रेस जुडिकाटा वहाँ पे भी अप्लाई होगा जहाँ पे लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट की, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, बार कर देगा सबसिक्वेंट सूट में, वो ये नहीं कह सकता नीचे वाले कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, आपने जब तेरे मामले जब जब से क्यों नहीं बोला, पहले से बोलना चाहिए था ना, तुमने पहले देख लिया भाई मामला मेरे अगेंस्ट चला गया, अबे अब क्यों इशू उठा रहे हो? ठीक है सर, जब चीज सारी चीज डिसाइड हो गई है, 20 साल लग गए मामले को डिक्री में, 20 साल के बाद कह रहे हो भैया ये मामला मेरे फेवर में तो नहीं आया, एक काम करते हैं, उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो कोर्ट अब ये भी तो देखती है ना, हूएवर इज कमिंग बिफोर द कोर्ट कम विद अ क्लीन हैंड। न्याय चाहिए तो भैया पहले न्याय लेने के लिए ढंग से तो आइए। बहुत सारी चीजें हैं इसमें ना, देखो रेस जुडिकाटा पूरी एक क्लास तो मेरे को चाहिए, मैं 4 क्लास तो नहीं लूंगा बट मुझे एक क्लास पूरी 2-2.5 घंटे की चाहिए। जिन सर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उन्होंने 8 या 10 घंटे लिए थे, अब वो बात अलग है, कई बार रिपीटेशन भी होती है चीजें, बट रिपीटेशन ना हो। 17 सूट नोवल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ डिफरेंट कोर्ट। अब कई बार क्या होता है मामला डिफरेंट कोर्ट में आ रहा है, जो ज्यूरिडिक्शन है जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है वो अलग अलग ज्यूरिडिक्शन में आ रही है। अब पार्टीशन का सूट हो सकता है, तो पार्टीशन के सूट में क्या होगा, प्रॉपर्टी एक पोर्शन में है, प्रॉपर्टी दूसरे पोर्शन में, कोई गाजियाबाद में प्रॉपर्टी है, कोई दिल्ली में प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा, मे बी इंसिडेंट इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी जहाँ पे थोड़ा सा भी पोर्शन प्रॉपर्टी का आ रहा है, ठीक है, या तो दिल्ली भी हो सकती है, गाजियाबाद भी हो सकती है, एनी कोर्ट। पार्टीशन तो ऐसा हो सकता है ना भाई, मेरी प्रॉपर्टी जो हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कई जगह है, ठीक है, बट इसमें एक प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना। प्रोवाइजो में क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। एंटायर क्लेम कॉग्निजेबल होना चाहिए, इसका मतलब बता सकता है कोई? हाँ जी, देखो जो कोर्ट है ना, जिस कोर्ट में हम जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आप चाहे दिल्ली कोर्ट में जाइए चाहे आप गाजियाबाद चला जाइए, क्या पता एक प्रॉपर्टी गाजियाबाद में, एक पर दिल्ली में हो, एक शिमला में हो, एक मसूरी में हो, तो आप गाजियाबाद में डाल दो पार्टीशन का सूट सारी प्रॉपर्टी को ज्वाइन करके, इसकी जब वैल्यू निकालोगे इन सबकी वैल्यू उस हिसाब से तो डालोगे सूट। यस सर, भाई पार्टीशन का मामला जो डलेगा इन सबको जोड़ जाड़ के तो डलेगा प्रॉपर्टी। अब जिस कोर्ट में आप जा रहे हैं उसका जो कोर्ट है वो पेक्यूनरी लिमिट से कम नहीं होना चाहिए इस टोटल वैल्यू से, ठीक है? यस, एक लाइन कितना बड़ा, कितनी चीजें छुपी हुई एक लाइन के अंदर, यही बात है। मैं इनको स्किप करना चाहता हूँ लेकिन दिखाई दे रही है तो इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। I really wanted to skip it for the prelims, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाएगा, वही है ना, देखो prelims भी उसी का क्लियर होता है जिसने मेंस की तैयारी अच्छे से करी हो। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग यू,
बिकॉज अभी हमने स्टार्ट ही नहीं करी सीपीसी, तो आप लोगों को भी मेरी साइड से भी कुछ लग रहा होगा कि सर कितने स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा अदरवाइज एक एक सेक्शन इसका इतना इम्पोर्टेंट है। अनसर्टेन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत बार पेपर में आया अनसर्टेनिटी कहाँ पर है, जहाँ पता नहीं लग रहा तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी, जहाँ पे कोई इसका पोर्शन वगैरह हो रिकॉर्ड करके कि हाँ भाई मैं कॉम्पिटेंट हूँ कोर्ट लेने के लिए, बट कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट कैन टेक इट। अब आगे चलते हैं 19, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 17, 18, सीधा सिंपल से भी पूछते हैं ना, सेक्शन बेस भी पूछते हैं, इंडेक्स बेस। 19, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मोर प्रॉपर्टी। रॉन्ग टू पर्सन, भाई किसी इंसान को मार दिया, थोड़ा बहुत परेशान कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी में घुस गए, परेशान किया, मोबल प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है, कंपनसेशन की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछेगा कंपनसेशन, ये पूरा टाइटल ही पूछते हैं, वो कहाँ पर होगा, इसकी इलस्ट्रेशन देख लेना। ए ने मारा, ए रहता दिल्ली में, मारता है बी को कलकत्ता में, तो ए कहीं पे भी स्टार्ट कर सकता है सूट, या तो कलकत्ता या दिल्ली, ठीक है, ये ऑप्शन है प्लेंटिफ के पास, अगर दो जगह है ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, अगर दो जगह है ना, यहाँ पे दो सिचुएशन बन गई प्लेंटिफ के पास, ए रेसाइड्स इन दिल्ली, ए रहता है कहाँ पे, दिल्ली में, ए रहता है दिल्ली में, और इसने किसको मारा है, बी को मारा है, तो बी प्लेंटिफ हो गया ना, मैं सू ए इधर इन कलकत्ता या दिल्ली, पिटाई कहाँ पर हुई बी की, कलकत्ता में। आप एक चीज देखो, देखो बी का रहता है, सपोज करो बी रहता है पंजाब में, तो पंजाब में नहीं कर सकता ये फाइल सूट, इसको या तो ये मिलेगा ये मिलेगा, तो प्लेंटिफ तो यहाँ नुकसान में ही रहता है, प्लेंटिफ को ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, उस जगह पे मिलना जहाँ डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट ने जहाँ पीटा है, और जहाँ प्लेंटिफ रहता है उसे कुछ नहीं मिल रहा, वहां नहीं कर सकता वो फाइल सूट। हाँ जी, अरे तो क्रिमिनल नेचर का मैटर नहीं हो गया बीटिंग, कंपनसेशन, कंपनसेशन, पिटाई की बात नहीं कर रहे भाई, मुआवजा लेगा ना भाई, पिटाई हुई है कुछ तो कंपनसेशन हो। देखो कई सारी चीज होती है जहां पर उसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और उसके क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग चलती है, इसने जो इसकी पिटाई करी इसके लिए मुकदमा तो चलेगा भाई, लेकिन जो मुझे नुकसान हो वो कौन भरपाई करे, ये जेल चला जाएगा, डेफिनेटली जेल चला जाएगा, तो मेरे को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, डिफेमेशन क्या है, सिविल रॉन्ग भी है, ठीक है, सिविल रॉन्ग भी है क्रिमिनल रॉन्ग भी है, तो कंपनसेशन के लिए अगर मेरे को दावा डालना है, जो मेरे को लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ ए, बिकॉज ऑफ हाँ ए, तो मैं या तो दिल्ली में दावा डालूंगा या मैं कलकत्ता में, मैं पंजाब में, मैं जहां रहता हूँ वहां नहीं डालूंगा। ठीक है, 20 जो 20 है ये भी पढ़ लेते हैं, जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, डिफेंडेंट जहां रिसाइड करता है और जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन इसमें देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है, अगर आप ए पढ़ेंगे इसका, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, देखो जहां डिफेंडेंट रहता है वहां फाइल कर सकते हैं, या जहां डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर अ गेन, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है, जहां रेसाइड करता है, पर्सनली वर्क फॉर अ गेन, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, आई एम श्योर देखो आप ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, बी में प्रॉब्लम आएगी, ये भी बड़ा सिंपल सा है, एक ए है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट नंबर वन, डिफेंडेंट नंबर टू, डिफेंडेंट नंबर थ्री, फोर, सपोज करो कई सारे डिफेंडेंट है, ये रहता है दिल्ली में, ये रहता है मुंबई में, ये रहता है पंजाब में, ये रहता है जयपुर में, और एक को ले लेते हैं वेस्ट बंगाल, तो भैया ये तो प्लेंटिफ है, तो चाहता है दिल्ली में फाइल हो, लेकिन दिल्ली में तो कुछ ना कॉज ऑफ एक्शन हुआ, ना ही प्रॉपर्टी कोई जो सिचुएट है वो हुई, कोई इशू है ही नहीं दिल्ली में, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डिफेंडेंट के पास या तो ये मुंबई में केस फाइल करेगा, या इनमें से किसी में भी कर सकता है, या इन इन सब ने मिलकर इसको पागल बना दिया, कहाँ चंडीगढ़ तो चलो है, इसमें पंजाब आ रहा, ठीक है, हरियाणा में इसको पागल बनाया गया,
अब इसको सूट फाइल करना है, या तो ये हरियाणा में करेगा या मुंबई या पंजाब कहीं पे भी कर सकता है, लेकिन अब ये जितने वाले ये जो लोग हैं, अगर ये मुंबई में नहीं चाहते, ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मैं मुंबई में क्यों आए, तो इन सबकी कंसेंट होगी पहले। और कंसेंट कैसे होगी, जब तक ये कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो मामला स्टार्ट नहीं होगा, या फिर कोर्ट इनको कह दे भाई नहीं, कोर्ट कह देगा तो भाई मानना पड़ेगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन और द डिफेंडेंट हु डू नॉट रिसाइड, क्योंकि ये तो मुंबई में रहता है तो उसके तो इसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब वाला, जयपुर वाला, वेस्ट बंगाल वाला ये कह रहा भाई हम मुंबई क्यों आए। तो अगर इन्होंने कंसेंट दे दिया है, ये जो वर्ड लिखा ना एक्विसिन एक्विसे, तो इसका मतलब ये कंसेंट देना, अगर ये एग्री हैं तो ही मामला वहां चलेगा, अदरवाइज द कोर्ट विल डिसाइड, और कोर्ट की लीव लेने के बाद मामला स्टार्ट हो सकता है कहीं पे भी, भाई इतना ध्यान रखना है इसको। चलो आगे चलते हैं। अब ये ऑब्जेक्शन वाला जो सेक्शन है 21 एक बार देख लेना, ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे होना चाहिए ऑब्जेक्शन 21, ठीक है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी लगाया जाए। फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको पढ़ लेना अब एक बार, ठीक है, क्योंकि वी हैव टू जस्ट मूव वेरी फास्ट। 21 भी इम्पॉर्टेंट है, बार ऑन द सूट टू सेटिसफाइड अ डिग्री ऑन योर ऑब्जेक्शन टू प्लेस ऑफ स्विंग, अब मैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कराता हूँ बहुत ज़्यादा। 23 एक बार देख लेना, 23 में क्या लिखा है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाए, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाए, ऑब्जेक्शन अगर आपने लगाया है तो कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी। सपोज करो देखो जैसे 30,000 कोर्ट है और कड़कड़डूमा कोर्ट है, कड़कड़डूमा कड़कड़डूमा, ठीक है, इन दोनों के ऊपर एक हाई कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, तो अगर इन दोनों का मामला है कि यहाँ फाइल हो यहाँ फाइल हो तो दिल्ली हाई कोर्ट मामला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है 30,000 कोर्ट के नीचे भी कई सारी कोर्ट है, सिविल जज एक, सिविल जज टू, तो अगर ऐसा मामला है तो 30,000 कोर्ट जाएगा, समझ में आ गई बात। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहाँ पे ज्यूरिडिक्शन ऐसा है, जैसे सपोज करो 30,000 कोर्ट तो दिल्ली का है और अगर कोई भी यूपी की कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां का मामला है, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट तो दिल्ली हाई कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो मामला कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्शन कहाँ लगेगा, हाँ जी दिल्ली हाई कोर्ट इन व्हिच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएटेड, जहां पे सूट इज ब्रॉट इज सिचुएटेड। और वैसे देखो मैं बताता हूँ सर कंक्लूजन क्या है, जहां पे आपने मामला पहले स्टार्ट किया है ना ऑब्जेक्शन लगा के, वहां चलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट तो रहा ही है, अब ये देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि इट्स रियल डिफिकल्ट टू रीड ईच एंड एवरी सेक्शन, बट क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ। और 25 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कहीं का मामला कहीं पे, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का मामला वो इलाहाबाद को दे, इलाहाबाद का किसी और को दे, चाहे विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकता है वो 25 के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय देना है, न्याय देने के लिए एनीथिंग कैन बी डन। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हमारा सेक्शन 26, 26 को हम पढ़ लेंगे ऑर्डर नंबर 4 के साथ पढ़ते हैं, रूल नंबर 1, ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 मामला देखो। अब एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ी कहानी सी बता देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। कोई भी मामला सूट से स्टार्ट होगा, सिविल सूट से, एक बार ऑर्डर्स देख लेते हैं, सारे ऑर्डर्स कर लेते हैं एक मिनट में, एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। देखो ऑर्डर्स अगर आपको याद हैं ऊपर ऊपर से ही, तो आपका पेपर प्रीलिम्स में 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, लॉजिक पे ही ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले जब कोई मेरा कोई ग्रीवियंस है, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवियंस है, ठीक है, इस ग्रीवियंस को रिड्रेस करने के लिए मेरे पास कोई कोर्ट होनी चाहिए, रेमेडी मिलेगी ना कोर्ट से, मेरे अधिकारों का निर्धारण होगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। तो कोर्ट जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो ऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला पार्टीज टू द सूट होगा, पार्टीज कि कौन कौन सी पार्टीज होनी चाहिए। जनरली किसी भी सूट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता प्लेंटिफ एक होता डिफेंडेंट। सबसे पहले हमने करा पार्टीज टू सूट, कौन कौन होगा, प्लेंटिफ होगा डिफेंडेंट होगा,
अब इसके अंदर जब पार्टी टू सूट की जो बात की गई है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, हु मे बी जॉइंड एज अ पार्टी, रूल नंबर वन, पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। कई बार क्या हो सकता है, बहुत सारे प्लेंटिव है, बहुत सारे डिफेंडेंट है, कोर्ट को लगता है भैया ये तो फालतू में डिले होगा मामला, एक काम करो अलग अलग सेपरेट ट्रायल करो उनका। कौन कौन एज अ डिफेंडेंट बन सकते हैं, कौन कौन एज अ जॉइंटली प्लेंटिव हो सकते हैं, तो ये क्या ये पार्टीज तो सूट है ना, कम से कम दो लोग तो होंगे, एक प्लेंटिव एक डिफेंडेंट। कई बार ऐसा हो सकता है कई सारे प्लेंटिव होंगे, कई सारे डिफेंडेंट होंगे, तो कोर्ट विल डिसाइड अंडर रूल नंबर टू के अंदर। तो ये आपको क्या करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ ऑर्डर नंबर वन में क्या क्या पढ़ना है आपको। ऑर्डर नंबर वन का रूल नंबर वन देखेंगे, टू देखेंगे, थ्री देखेंगे एंड थ्री ए देखेंगे बस। और आगे चलते हैं ऑर्डर नंबर नाइन देखेंगे, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टी। और ऑर्डर नंबर दस देखेंगे, और अगर लास्ट देखना है तो तेरह देख लेना, बस ये देखना है इसको। अब इसमें क्या क्या है, ऑर्डर नंबर जैसे नाइन है, नाइन कहता है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर क्या है, अरे जो पार्टी में नहीं जुड़ने चाहिए थे वो लोग जुड़ गए, हटाइए उनको, स्ट्राइक ऑफ कीजिए, स्ट्राइक आउट कीजिए, जो गलती से जुड़ गए उनको हटाइए, रूल नंबर टेन। ठीक है, अगर जो जिनको जुड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़े, ऐड करिए। तो ऑर्डर नंबर वन रूल नंबर टेन क्या कहता है, जोड़ना और घटाना, जो पार्टी जिनको जुड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़ पाए, ऐड करो, जो गलती से जुड़ गए उनको हटाइए, बस ऑर्डर नंबर टेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड। मिस जॉइंडर एक होता है, मैंने आपको शायद ऑलरेडी कल बता भी दिया था, नेसेसरी पार्टी, एक होता है प्रॉपर पार्टी। मैं बेरक खोल ही नहीं रहा मैं, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से देख के जो मेरे को आता है मैं आपको शॉर्ट में वो बता रहा हूँ, बिकॉज बेरक में जाएंगे तो बहुत डिटेल लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। नेसेसरी पार्टी कौन होती है, जिसके बिगर सूट आगे चलेगा ही नहीं, कैन नॉट प्रोसीड। तो ये भी ध्यान रखना, एक लाइन में ये भी लिखा है कि कुछ रूल्स जो हैं वो नेसेसरी पार्टी वाले पे अप्लाई नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि नेसेसरी पार्टी तो होनी ही चाहिए सूट में, तभी मामला आगे चलेगा। कई बार ऐसा होता है ना, विद इन दी आई मीन इन दी एब्सेंस ऑफ, कई बार ऐसा हो सकता है बिगर पार्टी के मामला भी चल जाए, बट नेसेसरी पार्टी को जोड़ना जरूरी है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेंगे, ऑर्डर नंबर वन मेरी साइड से कंप्लीट हो गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, नॉन जॉइंडर में नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, इट इज अ फैटल टू द केस, केस आगे बढ़ेगा ही नहीं, मिस जॉइंडर हो गए हटाइए उनको, रूल नंबर टेन, जो गलत जुड़ गए उनको हटाइए, जो नहीं जुड़ पाए उनको ऐड कीजिए, रूल नंबर टेन। फ्रेमिंग ऑफ सूट, ऑफकोर्स ही बात है, जब पार्टीज की बात हो गई, जब पार्टीज आ गई हैं फ्रेम करेंगे सूट, ऑर्डर नंबर टू, फ्रेम कीजिए सूट। अब सूट को कैसे बनाएंगे, अब सूट के अंदर आप जब आप एक आपने कभी प्लेंट देखी होगी तो भैया उसमें जो आपके दावे हैं होल क्लेम वो लिखोगे ना, ठीक है, बट आपकी मर्जी है, आप चाहें तो भाई कुछ दावों को छोड़ भी सकते हैं, रिलिंक्विश भी कर सकते हैं। रिलिंक्विश मतलब छोड़ना, सरेंडर करना, भाई मैं इस बंदे से लेना चाहता हूँ, मैं उससे नहीं लेना चाहता, यू कैन रिलिंक्विश योर राइट और योर क्लेम। आप अपनी प्रॉपर रिलीफ लिखेंगे इसमें, क्या रिलीफ है आपके पास, क्योंकि अगर हमने एक चीज देखी है रेस जुडिकाटा के अंदर, रेस जुडिकाटा की रिलीफ की जो बात है, पांचवा जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपने रिलीफ नहीं लिखी तो कोर्ट देगा ही नहीं, अगर आपने लिखी है कोर्ट ने नहीं दी, कंसीडर रिजेक्टेड, रिफ्यूज। ऑर्डर नंबर टू बहुत ज्यादा, इसमें कोई दिमाग मत लगाना, बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसमें आएगा, और लॉजिक से आप दे भी दोगे। ठीक है, ऑर्डर नंबर टू फ्रेमिंग ऑफ सूट है, जब सूट फाइल करेंगे तो सूट कैसे फाइल होता, प्लेंट से होता है, ठीक है, वो भी हम चार पे आएंगे, और प्लेंट से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर नंबर सिक्स, अभी आ रहे हैं उस पर भी, प्लेडिंग जर्नली, फिर उसके अंदर सात और आठ, ये दो मिनट में खत्म हो जाते हैं। थर्ड, भाई कई बार ऐसा हो सकता है जब हमने सूट फाइल करी है, भाई मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मैं रहता हूँ अमेरिका में, मेरा छोटा भाई है वही सारी चीज़ डील कर रहा है, तो इट, और या फिर मेरा कोई एजेंट है। अब एक बात बताइए, जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को इसके बहुत सारे केस करता है या उस पर केस चलते हैं, ऐसा तो है नहीं, मुकेश अंबानी हर मामले में, सिविल मामले में हाजिर होता है, अरे उसको अपना काम देखना, इतना बड़ा आदमी कहाँ से आएगा, तो रिकॉग्नाइज एजेंट।
ठीक है, रिकॉग्नाइज एजेंट या कोई प्लेडर वकील साहब अपॉइंट कर रखे हैं, वकालतनामा होना चाहिए प्लेस पे। रिकॉग्नाइज एजेंट जैसे आपने सुना होगा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, सुना है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, तो ये रिकॉग्नाइज एजेंट है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टू का टू देख लेना, सॉरी थ्री का टू, रिकॉग्नाइज एजेंट, ठीक है। और तीन चौथा जो है वो ठीक है रूल, उसमें तो सीधी सी बात है, हम लोग वकील साहब जो है सब अपॉइंट होते हैं, वकालतनामा प्लेस रिकॉर्ड पे होना चाहिए। वकालतनामा नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन डू, हम पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, रिकॉग्नाइज एजेंट को देते हैं कि भाई ठीक है ऑन माई बिहाफ यू कैन प्रोसीड फर्दर, वट एवर यू विल से इन द कोर्ट दैट वुड बी एडमिटेड, इट वुड बी एडमिशन ऑन माई पार्ट, ठीक है। जैसे हमने उसमें भी पढ़ा ना एविडेंस एक्ट में भी, जो रिकॉग्नाइज एजेंट जो कोर्ट में आके कहता है वो उसके लिए बाउंड हो जाएगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा था ऑर्डर नंबर फोर, ऑर्डर नंबर फोर इसके में एक ही है, बार रूल तो वैसे वन ही है, वो ही इम्पॉर्टेंट है। इस रूल में एक चीज़ देखनी है, इसको हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 26 के साथ। 26 में एक सिंपल सी बात लिखी है भाई, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 26 आप निकालिए एक मिनट, देखो 26 में क्या लिखा है, कोई भी जब सूट इंस्टीट्यूट होगा वो प्लेंट फाइल करोगे ना भाई, जब आपको कुछ कहना है अपनी बात को रखवाना है तो आप कुछ लिख के लाइए ना, प्लेंट में लिख के लाएंगे आप। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगा कोर्ट में, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करेंगे, आपको मैंने बताया था प्रॉपर कोर्ट में होनी चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर के पास लगा दी तो विद इन द लिमिटेशन पीरियड आप आ गए, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर के सामने आपने फाइलिंग कर दी है जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है। और इसका जो रूल नंबर टू है ना, सॉरी सेक्शन 26 का दो, नॉट रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इन एवरी प्लेन शैल बी प्रूव बाय एफिडेविट, एफिडेविट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब इसके साथ रेड विद ये पढ़ लेते हैं, ऑर्डर नंबर फोर रूल नंबर वन, सिर्फ वन ही पढ़ना है इसका। इसमें एक डुप्लीकेट की बात की गई है, वो ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना डुप्लीकेट की बात कहीं कहाँ है, रूल में की गई है या सेक्शन में की गई है, यही ध्यान रखना है, वो आपको वहीं कंफ्यूज करेंगे बस, ठीक है, वो इतना सा ध्यान रखना है। देखो यहां लिखा है, क्या लिखा है यहां पे, इसमें डुप्लीकेट दो कॉपी होनी चाहिए कम से कम, प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, तो ऑफिसर यहां पे लिख लेना, ठीक है, यहां से मैं हटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डुप्लीकेट होनी चाहिए ऑफिसर में के सामने लगाई गई हो आपने कॉपी, और उसके बाद वो ऑर्डर नंबर 6-7 तो अप्लाई हो गई हो, ठीक है। डुप्लीकेट की हमने बात करी है तो ऑर्डर नंबर 7 में भी एक बात की गई है, रिजेक्शन हो जाता है प्लेंट अगर आपने डुप्लीकेट कॉपी नहीं लगाई है। कितनी कॉपी लगानी पड़ती है कोर्ट में प्लेंट के साथ, आई मीन प्लेंट जो है दो कॉपी होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे भी, अगर आपने दो कॉपी नहीं लगाई है तो आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट ऑर्डर नंबर 7 डीम्ड डिग्री, दो का दो, ठीक है। तो 7 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आने वाले हैं पेपर में, ये ग्राउंड्स पूछ लेंगे आपसे कौन कौन से ग्राउंड्स में रिजेक्ट होता है, ये बड़ा अच्छा है, करेंगे इसको, ठीक है। भाई ये हमारा हो गया ऑर्डर नंबर 4 सेक्शन नंबर 26 खत्म। ऑर्डर नंबर 5 पे आते हैं, ऑर्डर नंबर 5 बहुत तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, वो ध्यान रखना बस। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने प्लेंट फाइल करी कोर्ट में, मैंने जब प्लेंट कोर्ट में फाइल कर दी तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिपेंडेंट को बुलाएंगे, बुलाने से पहले क्या होगा, ऐसे ही आ जाएगा वो, टेलीफोन करेंगे क्या, उसको समन भेजेंगे। श्रेष्ठा समझ में आ रहा है, रैपिड फायर चल रहा है, ठीक है श्रेष्ठा, आर यू लिसनिंग,
चलो समझ नहीं आ रहा होगा तभी वो क्लास छोड़ के चाय चले गए हैं। ओके ना, समन समन होगा ऑफकोर्स ही बात है। मैंने ऑर्डर नंबर 4 में प्लेन फाइल करी, डुप्लीकेट कॉपी भी लगा दी, एडमिट भी हो गई। जज साहब भी खुश हैं कि ठीक है भाई, वैल्यूएशन भी ठीक है, स्टैम्प पेपर भी लगा हुआ है, सब चीज़ है। जो 7-11 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट जो है प्लेन फाइल करने की पूरी है। तो भाई समन भेजेंगे ना सामने वाली पार्टी को, समन भेजेंगे किसको? डिफेंडेंट को। जब डिफेंडेंट को समन भेजे जाते हैं तो ये ऑर्डर नंबर 5 है, ऑर्डर नंबर 5 में समन भेजे जाते हैं। समन की सर्विस होनी जरूरी है। जब सर्विस ही नहीं होगी, जब समन की सर्विस ही नहीं होगी तो डेफिनेटली वो आएगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है, नॉलेज में ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है। तो कई बार क्या होता है, अगर प्लेंटिव चाहता है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हो तो ही हैज टू प्रूव, द प्लेंटिव हैज टू प्रूव दैट द समन हैज बीन सर्वड। प्लेंटिव को सिद्ध करना पड़ेगा ना, योर लॉर्डशिप द समन हैज बीन सर्वड, ईदर द दस्ती समन हैज ऑलरेडी बीन गिवन। दस्ती समन समझते हैं यस सर। क्या होते हैं? सर जहाँ पे डिपेंडेंट प्लेंटिव हाँ जो खुद ही उसको देखकर आता है। जी, सपोज करो भाई मेरा मेरा किराएदार है। भाई मेरा किराएदार कहाँ रहता है? मेरे घर के ही नीचे रहता है। मैंने हाथ से पकड़ा दिया, साइन ले लिया, दस्ते समन हो गए, कोर्ट में शो कर दूंगा, योर लॉर्डशिप दस्ते समन हैज ऑलरेडी बीन डन, दिस इज द प्रूफ ऑफ द साइन, उसके साइन है यहाँ पर, एंड नाउ ही इवन दो अवेयरिंग अबाउट इट ही इज नॉट कमिंग बिफोर द कोर्ट, लेट प्रोसीड फर्दर एक्स पार्टे। ठीक तो है इसी साइन ए है ना, दस्ती जी, समन 9, इसी का ऑर्डर 5 का 9A वही है ना, दस्ती समन समन गिवन बाय गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस। अब देखो एक चीज है, अब आप इस पे ना इस पे इतना टेंशन मत लेना, क्योंकि समन में भी बहुत सारे ऑर्डर रूल्स हैं, अगर आप प्रेशर लोगे भूल ही जाओगे आप। ठीक है, भूल, मैं खुद नहीं पढ़ रहा इनको, मैं आपको सिर्फ जो मेन मेन है ना, जो मेन मेन जहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा वो बता रहा हूँ, ठीक है, वो ही ध्यान रखना है आपको, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप रूल को याद करने बैठोगे आज नहीं हो पाएंगे। बट कुछ चीजें ना जो ध्यान रखने वाली वो मैं बताता हूँ। देखो समन जो है, समन की सर्विस होने के बाद, समन विद इन हाउ मेनी डेज ही हैज टू, 30 इसका रूल नंबर 1 जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि WS में भी रूल नंबर 8 में भी बात की गई है, वो तो हम पढ़ेंगे ही। यहाँ लिखा है वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ समन मे बी इशू टू द डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट टू हिम इफ एनी विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? WS फाइल करनी पड़ेगी। 30 दिन कौन से? ऑर्डर सर्विस ऑफ द समन। ये ध्यान रखना, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो अपने बैरक में, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। अब समन की जो सर्विस हुई है 15 दिन बाद हुई, मेरे पे 15 दिन का, सपोज करो 29वें दिन हुई, तो 29वें दिन का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन मिलेगा उसको, और जिस दिन सर्विस हुई उस दिन से 30 दिन मिलेंगे उसको। ठीक है भाई, लिखने का मौका भी तो मिलना चाहिए, WS लगानी है उसको। बट ओवरऑल जो है 90 डेज, मैक्सिमम डेज जो है 90 डेज मिल सकते हैं। क्या ये 30 प्लस 90 120 है? क्या ये 30 प्लस 60 90 है? हाँ जी, कौन सी सिचुएशन ठीक है, पहली वाली दूसरी वाली? 90 120 है ना। हाँ जी बताइए जल्दी, कम ऑन, इतना टाइम नहीं है, वी हैव टू रश, कम ऑन। सर 13 टोटल, सॉरी 90 इन टोटल, क्योंकि इसमें कह रहा है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ये है ठीक है, ये नहीं है, ओके दिस इज नॉट, काटा मार देते हैं, 15 रूल नंबर पे आ जाते हैं, 15 सीधा। 15 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर, सर्वेंट को समन नहीं होंगे, लेकिन एमपी में होंगे क्या? एमपी एकोमोडेशन एक्ट में होंगे, यस सर, यस सर, यस सर, ये आपने सर बताया होंगे। था। ढूंढ लिया था ये प्रोविजन क्या? नहीं आपने बताया था, हाँ भाई ये ध्यान रखना, ठीक है, आपने बताया था सर। हाँ ये ध्यान रखने वाली बात है बस। ओके, इसमें एक चीज और है, ऑन एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वेदर अ मेल और फीमेल। अब ये भी ध्यान रखना, कई बार लोगों का मिथ होता है या मेल और फीमेल दोनों को हो सकते हैं समान, कई जगह आपने पढ़ा होगा फीमेल को नहीं होंगे,
कहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा? रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 की बॉटम लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले। अब देखो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो याद मत करो, बस ध्यान से सुनो, अगर वो नहीं है, कोई नहीं मिल पा रहा, तो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे लगा दिया जाएगा, पेस्ट कर देंगे। कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऐसी जगह होती है जहाँ नजर आए, दिखाई दे, ठीक है। और एक कोर्ट रूम के बाहर भी लगा दिया जाता है जनरली, जो इस तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर नंबर 5, रूल नंबर 20, इसको मत भूलना, सब्स्टिट्यूट सर्विस। सब्स्टिट्यूट सर्विस, ये सब्स्टिट्यूट सर्विस जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर भाई कुछ किसी भी तरीके से हमें बस किसी तरीके से ये एश्योर करना है कि समन की सर्विस हुई है, बहुत सारे पैतरे अपना लिए बट डिफेंडेंट को सर्विस नहीं हो पा रही है या वो डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा है, तो हम न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं जहाँ वो रहता है लोकली, पहले तो ड्रम बीट किया जाता है, ड्रम बीट नहीं होते, लोकल न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे भाई, इतना ही है, ठीक है। आगे चलो, छोड़ दो बाकी सारा, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, मेरे हिसाब से समझ में इतना ही काफ़ी है फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फॉर द टाइमिंग, बिकॉज वी हैव टू कवर लॉट ऑफ सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। ओके, अब हम आ जाते हैं प्लेटिंग जर्नली। ऑफकोर्स ही वादे समन हो गए हैं, तो ऑर्डर नंबर 6 का कहता है, प्लेटिंग्स जर्नली की बात कर रहा है, इसका जो रूल नंबर 1 है वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ऑर्डर 6 का रूल नंबर 1 ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एक बात लिखी है, जर्नली का मतलब क्या है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, प्लेडिंग में क्या इंक्लूड होगा, प्लेन टाइम रिटर्न स्टेटमेंट, ये दोनों होगी, ठीक है। और प्लेन का ऑर्डर नंबर है 7, डब्ल्यूएस का 8 है। अब एक चीज सुना, देखो क्रक्स सुनिए, ये रूल्स याद करने जाओगे याद होंगे नहीं, बेकार में परेशान होंगे और गड़बड़ करके आओगे, टेंशन मत लो। अब सिर्फ जो जो सुनने वाली बात है वो सुनिए, जब भी हम प्लेंट जो प्लेंट बनाएंगे या WS बनाएंगे, हमें सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं, हमें क्या लिखना है, सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं, मटेरियल फैक्ट, एविडेंस नहीं लिखना, लॉ नहीं लिखना। भाई लॉ तो जज साहब को पता है ना, जज तभी तो बनेंगे जब कानून जानते हैं, तो हमें ना लॉ लिखना ना एविडेंस लिखना, हमें क्या लिखना है, फैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है भाई, इतना लिखना है, बस हटाओ इसको, आगे चलते हैं। 6-14 पे आइए, 6-14 प्लीडिंग टू बी साइन, प्लीडिंग जो है वो साइन होनी चाहिए, साइन नहीं होगी तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वेरिफिकेशन जरूर ध्यान रखना। अब ये आप रूल के इन पे फोकस कर सकते हैं, कहाँ दे रखा है, साइन होंगे और वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ओके, अब इसका जो इम्पोर्टेंट है 16 इम्पोर्टेंट है रूल नंबर, जहाँ लिखा है स्ट्राइक आउट प्लेडिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्लेडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक ऑफ और अमेंड इन एनी प्लेडिंग विच मे बी अननेसेसरी स्कैंडलस फ्रिवलस वैक्सेसर, जो बेकार की चीजें हैं ना उसको कहेगी भाई इनको हटा के लाइए, विच मे टेंड टू प्रिजुडाइज एम्बेरेज द डिले, जिससे फालतू में डिले होगा, विच इज अदरवाइज कोर्ट अब्यूज ऑफ द कोर्ट हो रहा है प्रोसेस का, भाई ये याद रखना है, स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द प्लेडिंग, जो प्लेडिंग में बेकार की बात है उनको हटाइए। लेकिन इन सब का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा जो इंपॉर्टेंट है, जो मेंस का क्वेश्चन बनता है वो ये है, 6-17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-17 ऑर्डर नंबर 6, रूल नंबर 17, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत बार आता है, और मेंस और प्रीलिम्स दोनों का है, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम, बड़ा अच्छा लिखा जा सकता है इसको। जो कोर्ट है किसी भी स्टेज पे, एनी स्टेज का मतलब किसी भी स्टेज पे चाहे तो अमेंडमेंट करवा सकती है प्लेडिंग को, अगर उनको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो जरूरी है, जस्ट एंड ऑल सच अमेंडमेंट करवा सकती है कोर्ट। बेसिकली एक टेस्ट भी है, मैं मेंस में क्वेश्चन आते हैं, वो रियल टेस्ट है, रियल कॉन्ट्रोवर्सी टेस्ट बोलते हैं उसको, रियल कॉन्ट्रोवर्सी टेस्ट, ठीक है, ये कौन है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी टेस्ट, इसका मतलब क्या है भाई, एक बात बताओ, ए और बी कोर्ट में क्यों आ रहे हैं,
व्हाई दे आर कमिंग बिफोर द कोर्ट, ये किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए आ रहे हैं ना भाई, इनके राइट्स को डिटरमाइन करे कोर्ट, इसलिए तो आ रहे हैं ना। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हो गई है प्लेंट में या डब्ल्यूएस में, ठीक है, प्लेंट और डब्ल्यूएस में कुछ गड़बड़ हो गई है, एरर्स हैं, गड़बड़ी हुई है, अगर कोर्ट इनको रिजेक्ट कर देगी तो भैया राइट तो डिटरमाइन ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लिखा एनी स्टेज। अब इसमें एक अमेंडमेंट भी था, उसके बाद ये सारा एनी स्टेज की बात आई थी। तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे अमेंडमेंट कर सकती है, बट ऑफ कोर्स ही बात है फ्रिवलस नहीं होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए, डिले ना करने के लिए होना चाहिए। कोर्ट को लगता है हाँ ठीक है, कोर्ट को क्या डिसाइड करना है, राइट डिसाइड करना है, और इसको लिबरली लिबरल अप्रोच लगानी चाहिए कोर्ट को कि भाई ठीक है अलाउ कर देना चाहिए अमेंडमेंट। सपोज करो अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, अमेंडमेंट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा, क्या इसकी अपील होगी, इज इट अ अपीलेबल ऑर्डर, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, इज इट अपीलेबल ऑर्डर, हाँ जी यामिनी क्या आंसर देंगे आप इसका, इज इट अ अपीलेबल ऑर्डर 617। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या था भाई, अगर 617 की जो एप्लीकेशन आपने लगाई है, अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं प्लेडिंग को, चाहे डब्ल्यूएस हो चाहे प्लेंट हो, क्या ये ऑर्डर अगर उन्होंने मना कर दिया है, क्या अपील होगी? I think so, yes. Sir, no, not available. Not available. फिर क्या करेंगे, घर बैठ जाएंगे? Revision to High Court. हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, इट्स नॉट अपीलेबल ऑर्डर। अपीलेबल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 104 ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1, भाई ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात? कौन कौन सा सेक्शन बोला, सेक्शन 104 स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, 104 रेडविज सेक्शन ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1, ये है अपीलेबल ऑर्डर। कई सारे ऑर्डर लिखे हुए वहां पर, उसमें 617 नहीं, हाँ 711 है, 711 है या नहीं है? हाँ जी निकालो जरा, देखो जरा 43। यस सर, देखिए जरा आप, याद हो जाएगा इसी बहाने, ये पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 43 ऑर्डर नंबर। अभी भाई 711 जो है, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट जो है, क्या वो अपीलेबल ऑर्डर है या नहीं है? यस सर है, कहाँ लिखा है, 710 लिखा है, 710 है वो तो, हाँ रिटर्न नहीं सर, सर क्योंकि ऐसे 711 तो डीम डिक्री है ना, तो डिक्री तो ऑर्डर 43 डील नहीं कर रहा डिक्री के साथ। हाँ जी, यही तो लॉजिक लगाना है, यही तो क्वेश्चन पूछा है, लॉजिक क्या है, ये क्या है 711, इट्स अ डीम्ड डिक्री, डीम्ड है ना, इसको डिक्री मानते हैं, तो डिक्री थोड़ी ना है, ऑर्डर नंबर 43 तो ऑर्डर से डील करता है, यही तो लॉजिक है इसका। 711 जो है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, और सॉरी रिटर्न ऑफ अ प्लेंट, वो है सर 711 है वो तो डिग्री है, तो डिग्री के लिए तो हम अपील में जाएंगे फिर, राइट? डिग्री के लिए हम इसमें नहीं, अरे अपील में तो जा ही रहे हैं, लेकिन डिग्री है ना वो ऑर्डर थोड़ी ना है, ऑर्डर नंबर 43 तो ऑर्डर क्यों डील करता है। अच्छा, तो अभी यामिनी ने क्या पूछा, यामिनी ने कहा सर ये लॉजिक जो है बिल्कुल ठीक है, मतलब 711 में हम ऑर्डर नंबर 43 में नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर है, ठीक है, डिग्री है ये ऑर्डर है, तो हम लॉजिक सही से लगा लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं होगी। सर वैसे ये 711 अपीलेबल है? हाँ सर, ये जो डीम डिक्री है अंडर 711, इज इट अपीलेबल और नॉट? देखो एक बार बताओ मुझे, एक चीज बताइए, ये 711 क्या है, 711 में गुड ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हो रही है भाई, अगर जो चीज, अगर हम अपील ही नहीं कर सकते किसी चीज की, अगर हम अपील ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा मामला तो ठप हो जाएगा, हम घर बैठ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है
अब क्वेश्चन ये होता है क्या ये अपीलेबल है या रिवीजन जाएगा इसका, रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि इसमें फ्रेश प्लेन फाइल तो कर सकते हैं, उसकी परमिशन तो दी हुई है 713 में, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या अपील भी एक रिजॉर्ट है। आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है लॉजिकली। सर क्योंकि फ्रेश प्लेन की परमिशन दी हुई है तो शायद मुझे लगता है नहीं होगा ये अपीलेबल। नहीं होगा मतलब हमेशा फ्रेश सूट फाइल करें दोबारा से, बताइए बताइए क्या इसको हम, हमारे पास अपील के जो ऑर्डर्स हैं अपील के प्रोविजन कहाँ से, 41 से लेकर 45 तक है ना, ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये 44 पॉपर हो गया, बचे तीन 41 42 43 ऑर्डर्स हो गया, इन दोनों में है, इन दोनों में देख लो एक बार अपने आप, बताइए मुझे आंसर जल्दी से कमान। क्या है यहाँ पे 10 में तो रिटर्न की बात कर रहा है, 11 में रिजेक्शन की बात कर रहा है, रिजेक्शन तो फिर वहाँ पे उसको डिक्री बोल दिया, तो डिक्री के लिए तो हम अपील में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न बोला है तो ये ऑर्डर है और ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील में जा रहे हैं 43 के अंदर। 43 में भी जा सकते हैं या फिर फ्रेश फाइल भी कर सकते हैं क्या? दो अलग चीजें, दो चीजों को जोड़ना नहीं है, ठीक है, दो चीजों को बिल्कुल नहीं जोड़ना है। पहला है अपील फ्रॉम एपिलेट डिक्री, और इससे पहले है क्या नाम है आपका ऑर्डर नंबर 41। 41 ऑर्डर नंबर क्या कहता है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री है, ओरिजिनल डिक्री यहाँ पे क्या कवर, डीम डिक्री कवर होता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 711 जो है, अगर इसको हमारे को अपीलेबल ऑर्डर तो है ही नहीं है, तो क्या लिबर्टी टू फाइलिंग अ फ्रेश सूट है 713 में, तो क्या इसमें हम, तो क्या इसमें हम अपील कर सकते हैं? देखा 41 कुछ मिला? पहली बात तो वो तो फर्स्ट डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। एक लेटेस्ट जजमेंट है वो मैं आपको देख के बताऊंगा, वैसे पेपर में तो वो आने वाली अभी है नहीं, उसमें एक बार देखना पड़ेगा कि 711 का क्या अपीलेबल करा गया है नहीं करा गया, बट एज पर द बैरेट तो वो नहीं है। लिबर्टी, बट एक चीज ध्यान रखना, जहां पर अपील का प्रोविजन नहीं है वहां रिवीजन जाती है, ठीक है, जहां अपील का प्रोविजन नहीं है वहां रिवीजन जाएगी, और ऑफ कोर्स ही बात है 713 तो एक रेमेडी देता ही है, बट अपील देख लेंगे एक बार, कोई जजमेंट है मेरे को याद आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, विल फाइंड इट आउट कि कब अगर पॉसिबिलिटी है 711 के केस में वो अपीलेबल है या नहीं है, आज पर भी बैरेट तो नहीं है। सर यहाँ पे 711 में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर नया सूट फाइल कर सकते हैं ना, इसमें लिखा तो है 13 में। देखो सूट तो फाइल करेंगे ही, एक क्वेश्चन और है, अरे फाइलिंग ऑफ सूट और अपील में फर्क है ना। हाँ तो हमारा क्वेश्चन ही अपील का, अपील ऑर्डर तो है नहीं, 43 तो अप्लाई होगा नहीं, 41 अप्लाई होता है, बट क्वेश्चन इज दैट वेदर वी कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ 711 में जो ऑर्डर पास हुआ है, क्या हम उसको 41 में अपील कर सकते हैं? और एक चीज ध्यान रखना, अगर अपील नहीं है रिवीजन तो होगा ही, बट अगर 713 जो है, 713 में तो फ्रेश फाइलिंग का कह ही रहा है, वेयर द रिजेक्शन ऑफ लैंड डज नॉट प्रक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ, रोकती नहीं है ना कि भाई ऑफकोर्स ही बात है आप दोबारा फाइल कर दो। चलो एक फ्लो में चलते हैं, निकालेंगे इसका सोल्यूशन, देख लेंगे रात तक आपके पास डिस्कस करके मैं बता दूंगा कि क्या है। वापिस आते हैं, हम कौन सा कर रहे थे सेक्शन, ऑर्डर नंबर 6 कर रहे थे अभी हम, ठीक है। मेटेरियल फैक्ट्स होंगे इसमें, प्लीडिंग में हमने पढ़ लिया 6-15, 6-17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-17 का ध्यान रखना, 6-17 में रिवीजन है, रियल कॉन्ट्रोवर्सी डिसाइड होती है, इसलिए कोर्ट लिबरल अप्रोच रखती है, अमेंडमेंट कर देती है, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है इसमें। और फिर आ जाते हैं प्लेंट पे, 17 पे, 7 पे आ जाते हैं, ऑर्डर नंबर
चलो प्लीडिंग जनरली हो गया, तो जब प्लीडिंग हमने बनाई है, ड्राफ्ट की है, तो वो कैसे स्टार्ट होगा मामला? प्लेंट से होगा ना, तो प्लेंट यानी दावा जो डाला गया है, अब वो कैसे डालेंगे? प्लेंट के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए ये तो पूछेंगे नहीं वो आपसे। रूल नंबर वन तो बहुत सिंपल सा है, कोर्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। मनी सूट है तो भाई कितना मामला है, नहीं पता है तो कम से कम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो लगा के बता दीजिए। रूल नंबर टू वो देख लेना एक बार, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो लगाइए कम से कम कितने का आप दावा डाल रहे हैं, अगर नहीं डिटरमिनेबल है तो। वेदर सब्जेक्ट मैटर द सूट इज इमोवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा प्लेंट में, क्या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कर रहा है तो ठीक है, और लिमिटेशन ग्राउंड अप्लाई अगर एग्जेम्प्टेड है तो भी लिखना पड़ेगा उसमें, रिलीफ क्या मांग रहा है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी इसमें। जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, एक तो रूल नंबर 7 का 9, 7 का 10, 7 का 11, ये सारे देखने हैं आपको ठीक है। देखो प्रोसेस ऑन एडमिटिंग ए प्लेंट, अगर वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन बी सर्व्ड, अब कोर्ट ने ये देखा कि भाई हाँ समन सर्व्ड होनी चाहिए, 7-9 की बात कर रहा हूँ, कोर्ट एडमिट करता है कि भाई ठीक है यहाँ कुछ इसका कॉज ऑफ एक्शन है, इसका अधिकार है, सामने वाली पार्टी को बुलाइए, तो प्लेंटिफ क्या करेगा, जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपी और एक कोर्ट की कॉपी, एक कोर्ट की कॉपी हो गई, एक तो कोर्ट की कॉपी है और जितने प्लेंटिफ है उतनी कॉपी तो देगा। डुप्लीकेट तो एक बेसिक रूल है, जहां दो एक ही डिफेंडेंट है तो डुप्लीकेट, एक कोर्ट की कॉपी होकर एक इसकी कॉपी, बट अगर कई सारे डिफेंडेंट है तो सबके पास कॉपी जाए ना। मैनी कॉपी ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द प्लेन पेपर एज देयर आर द डिफेंडेंट विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड फीस फॉर सर्विस ऑफ द समन। मैंने कल आपको बताया था कि भाई 7 डेज की बात भी है ना, तो 7 डेज के अंदर भैया जितनी भी कॉपीज है वो लगाया गया, क्योंकि अब क्या करना है, प्रोसेस सर्वर स्टार्ट होगा ना, प्रोसेस प्रोसेस फीस भी लगानी पड़ेगी, ये सारी चीज लगानी पड़ेगी आपको प्रोसेस फीस, क्योंकि अब प्रोसेस सर्वर जाएगा, इनको तामील करवाएगा समन को, तो ये चीजें होनी चाहिए। और क्योंकि ये भी एक ग्राउंड बनता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, 7-9 ये भी तो ग्राउंड है, आपने नहीं करा भाई हम किसको भेज, कॉपी नहीं भेज पाएगी कोर्ट तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी ना प्लेंट। अब आता है 7-10, 7-10 भी इम्पोर्टेंट है रिटर्न, आप अगर गलत कोर्ट में आ गए हैं, आपने प्रॉपर कोर्ट में फाइलिंग नहीं करी है सूट, तो कोर्ट क्या देगा, भैया वापस पकड़ो अपनी फाइल और एक काम करो प्रॉपर कोर्ट में जाइए। प्रॉपर कोर्ट में भेजते वक्त वो डेट भी फिक्स कर सकता है, 10A के अंदर पावर ऑफ द कोर्ट टू फिक्स अ डेट, डेट फिक्स कर देगा कोर्ट, भाई इस डेट पे आप वहां पहुंच जाना टू अपीयर इन द कोर्ट वेयर द प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न, ठीक है, प्रॉपर कोर्ट में भेज देगा, उसी वक्त बता देगा कहाँ जाना है। तो ये 10 हो गया। अब ये 7-11 है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 7-11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-11 में कब कोर्ट रिजेक्ट करता है प्लेंट को, कौन कौन से ग्राउंड है। सबसे पहले इसको सीक्वेंस में याद करना, ABC करके ही याद करना, कभी ऊपर नीचे करें, इसको ऐसे ही याद करना है ठीक है, ये ही इसकी खासियत है, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे इन ऑर्डर, कोई भी पूछ लेंगे बीच में से। कॉज ऑफ एक्शन ही मेंशन नहीं करा आपने, कॉज ऑफ एक्शन। दूसरा अंडर वैल्यूड कर रखी है, कई बार क्या करता है जानबूझ का प्लेंटिव चाहता है मैं इसी कोर्ट में जाऊं, तो वो अंडर वैल्यूड कर लेता है अपनी वैल्यू को, जो भी सूट है ठीक है, और अंडर वैल्यूड कोर्ट ने कहा भाई ठीक करके लाओ, तब भी ठीक नहीं कर रहा है वो, फेल्स टू डू। और वेयर द क्लेम इज टू द प्रॉपरली वैलिड सफिशिएंट स्टैंप नहीं है, ठीक है, इनसफिशिएंट स्टैंप, ये बड़ी समस्या आती है स्टैंप ढंग से नहीं लगानी, तो स्टैंप नहीं लगाई वापस भेज देगा भाई ढंग से लगा के लेके आइए। बार्ड बाय लिमिटेशन, ऑफकोर्स ही बात है बार्ड बाय लिमिटेशन है, नहीं चलेगा मामला। अच्छा एक बात बताइए, जब वो प्लेंट लगा रहा है, ध्यान से बताना सोच समझ के बताना, क्या सेक्शन 5 के अंदर लिमिटेशन एक्ट के अंदर कॉन्डनेशन की एप्लीकेशन लगेगी? नो सर। क्यों? वहां पे लिखा है ना कि ऑल्दो
लिमिटेशन पीरियड नॉट क्लेम एज अ डिफेंस, कोर्ट सुगमोटो भी उसको देखता है ना कि नो लॉ, गलत लॉजिक। आंसर क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैंने कहा है भाई एक आदमी है वो उसको 3 साल का टाइम था, वो 5 साल बाद जा रहा है सूट लेके, तो क्या वो अंडर सेक्शन 5 में एप्लीकेशन लगा के माफी मांग लेगा कोर्ट से भाई मेरे को कंडोन कर दिया जाए? नहीं सर, सूट में एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द आंसर, सूट में अप्लाई नहीं होता है। अंडर लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में नहीं जा सकता, लेकिन वो सीपीसी में अंडर ऑर्डर 7 रूल 6 के अंडर जा सकता है। ऑर्डर 7 रूल 6, चलो कोई बात नहीं। वैसे तो देखो एक चीज समझिए, पहली बात मैंने कल आपको बताया था सेक्शन 5 तो अप्लाई होता ही नहीं सूट पे, तो पहली चीज वो तो बार्ड है, वो नहीं जा सकता। अब आप कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 6 में जा सकता है क्या? ग्राउंड एक्सेम्प्शन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, एक्सेम्प्शन वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ द लिमिटेशन, द प्लेन शैल शो द ग्राउंड्स अपॉन विच द एक्सेम्प्शन फ्रॉम लॉ इज क्लेम्ड। अब एक चीज भी तो है यहाँ पे, एग्जामिशन उसको मिलनी चाहिए, कौन से ग्राउंड है वो हैव टू बी हैज टू मेंशन, प्रोवाइडेड द कोर्ट मे परमिट द प्लेंट टू क्लेम एग्जामिशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन द प्लेंट इफ द ग्राउंड इज नॉन इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड सेट अंडर द प्लेंट। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जामिशन है तो मिलेगी, अदरवाइज वैसे सूट एक बार बार्ड है तो बार्ड ही है फिर। अब इसको डिटेल सिक्स में क्या कह रहा है कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद में अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट अगर एग्जेम्पशंस दी गई है, कोई छूट दी गई हो, पता नहीं बंदा कोई स्पेशल लॉज भी हो सकते हैं जहाँ उसको एग्जेम्पशन दी गई, सपोज करो कुछ ऐसी सर्विसेज में जो फाइल ही नहीं कर सकता था वो, तो एग्जेम्पशन दे दे कोर्ट, तो वो प्लेंट में बताएगा उस चीज को, बगैर बताए उसको बताना पड़ेगा ना कि मेरा टाइम पीरियड था 3 साल में नहीं आ पाया बिकॉज बट आई एम एग्जेम्प्टेड अंडर पर्टिकुलर लॉ। देखो कानून किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हो सकते हैं प्रिविलेजेस जो दिए गए हों, बट ये कोई एक जनरल रूल नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अ जनरल रूल एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। विल डू इट इन लेटर ऑन, जो भी हमारे इसके अंदर कुछ केस लॉज होंगे वो ढूंढ लेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही पढ़िए इसको, ये वैसे आता भी नहीं पेपर में एग्जेम्पशन लिमिटेशन को लेकर, 7-6 का आज तक तो मैंने देखा नहीं कोई पेपर में आया वैसे। हाँ अगर आएगा तो आप लिख देना एग्जेम्पशन होना चाहिए, उसको कोई एग्जम्प्ट किया गया हो, फाइलिंग ऑफ द सूट इवन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कौन से पे थे हम, 10A, 10B हो गया, 10-11 चल रहा था, ठीक है। तो ये देखना है, इसको सीक्वेंस में याद करना है, और ये बात ध्यान रखना कॉन्डेनेशन वगैरह अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन की बात करता है और एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई नहीं होगा 5। और ये है आपका बार्ड बाय बार्ड वाला हो गया। फिर डुप्लीकेट की बात करता है, अगर एक ही पार्टी है तो सब कॉज सी बात है, अपोजिट पार्टी है कि तो डुप्लीकेट चल जाएगा, नहीं तो फिर ऑर्डर नंबर रूल नंबर 9 भाई, कई सारे डिफेंडेंट है, कई सारी कॉपी चाहिए तो 6 हैं। इसको अभी ध्यान रखिए माइंड में, एक बार आंख बंद कीजिए रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे आपसे ऊपर से, ये पूछ सकते हैं ABCDEF, ठीक है, याद हो गया? Yes, sir. यही ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, देखो आने को तो पूरा सीपीसी पड़ा है, अभी तो हम ऑर्डर नंबर 7 भी वॉच है, लेकिन बहुत जल्दी कर खींचेंगे इसको हम। 7:30 लिबर्टी है भाई, 7:30 में लिबर्टी दे रखी है भाई, फ्रेश सूट फाइल कर ले, रिजेक्ट ही तो हुआ है, डज नॉट प्रेक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रेश प्लेंट, रोकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन फाइल अ फ्रेश सूट आफ्टर जस्ट ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे फ्रेश सूट फाइल करने का मतलब ये कि दोबारा से कोर्ट फी देगा, सब कुछ करेगा, कोर्ट फीस दोबारा नहीं दी जाती, अगर कोर्ट फीस अंडर वैल्यूड है तो उसको सही करके लाएगा, और अगर नहीं, हाँ तो यहाँ पे दिया हुआ है अंडर वैल्यूड बी में दिया हुआ है, अगर वो यहाँ पे नहीं करके लाता है उसको करेक्ट करके तो फिर कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा, तो लेकिन 13 में कह दिया कि वो फ्रेश सूट ला सकता है, तो मतलब दोबारा फ्रेश सूट लाएगा तो क्या उसको दोबारा से ये सारे मतलब कोर्ट फीस और सम्मन के लिए जो पैसे दिए होंगे उसने वो सब देना पड़ेगा? डिफॉल्टर कौन है, डिफॉल्टर तो प्लेंटिफ है ना, तो करना तो पड़ेगा, वो बात अलग है, कोर्ट फीस वापस मिल जाएगी उसको जो पहले वाले सूट में लगाई होगी, रिफंड होगी, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में डील किया गया रिफंड ऑफ द कोर्ट फीस, कैसे मिलेगी वापस,
कलेक्टर देता है उसमें, कलेक्टर वो एक सर्टिफिकेट इशू होता है, कलेक्टर फिर उसको रिफंड करता है। बिकॉज कोर्ट फीस अगर नहीं लगेगी तो कोर्ट सुनेगी नहीं ना, प्रॉपर ढंग से तरीके से प्लेंट लगाए ना। शैल नॉट ऑफ इट्स ऑन प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। चलो भाई अभी फॉर द टाइम बीइंग बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते, अदरवाइज फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है इस सीपीसी के अंदर भी है कि वापस ली जा सकती है कोर्ट फीस वगैरह नहीं। सेक्शन 7 सॉरी ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 13, अब बाकी आप छोड़ सकते हैं। 8 पे आ जाते हैं, ऑर्डर नंबर 8 WS। इसके सिर्फ रूल्स याद करेंगे, पहला रूल नंबर 1 वो इंपॉर्टेंट है, 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, जिस दिन सर्विस होगी, और प्लस 60 डेज इज इक्वल टू 90 डेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, ठीक है, ये 100% आ जाता है डब्ल्यू एस कितने दिन में होती है, लेकिन बहुत सिंपल हो चुके हैं अब ये बार बार रिपीट, फिर भी लेकिन पूछते हैं क्योंकि एमपी का पेपर इतना डिफिकल्ट आता नहीं है जितना डिफिकल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। न्यू फैक्ट्स जो है स्पेसिफिकली प्लेड होगा, डिनाइल टू भी स्पेसिफिक होना चाहिए, इवेजिव डिनाइल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस, इवेजिव डिनाइल नहीं होना चाहिए। इवेजिव डिनाइल क्या होता है, सपोज करो प्लेंट है, प्लेंट के बाद वो कहता है इसके 1, 2, 3, 4 कई सारे पैराज हैं, डब्ल्यू एस में ऐसा नहीं हो सकता, पैरा नंबर 1 to 5 ऑल डिनाइड, ऐसा अलाउड नहीं है भाई, कारण के साथ डिनाइड करना। 6 में देख लेते हैं, सेट ऑफ और ये इसकी बात की गई है, सेट ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रख, इसको आप इसके ऐसे ही ध्यान रखना है, लेकिन हाँ सेट ऑफ अंदर से आ जाता है, सेट ऑफ बिल्कुल अंदर से पूछा जा सकता है, बट एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट फाइंड के पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के कर रहे हैं तो क्या देखा सेट ऑफ में, पर्टिकुलर्स ऑफ द सेट ऑफ टू बी गिवन इन द रिटर्न स्टेटमेंट, एक बार इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड्स एनी असर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम द नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनरी लिमिट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्ट। पहली चीज, जो भी वो सेटअप कर रहा है ना, पेक्यूनरी लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए, कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट से ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। एंड बोथ द पार्टी फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंट्स suit and the defendant may at the first hearing of the suit but not afterward unless the permit by the court present a WS containing the particular of the without debts sought to be set off. अब ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहली डेट पे तो ऑफ कोर्स ही बात है उसको सेट ऑफ में क्लेम करना पड़ेगा, उसके बाद कर सकता है सेट ऑफ, बट बशर्ते कोर्ट उसको अलाउड करे, ठीक है, यही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। इफेक्ट ऑफ द सेट ऑफ क्या होगा, द रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द प्लेन, ये इट वुड बी ट्रीटेड एज ऑलमोस्ट लाइक अ क्रॉस सूट के तरीके से ट्रीट हो जाती है, क्योंकि प्लेंटिफ ने दावा डाला, प्लेंटिफ के बाद डब्ल्यू एस आएगी, लेकिन डब्ल्यू एस के टाइम में ही सेट ऑफ लगाता है, तो इट वुड बी लाइक अ क्रॉस सूट कि भैया मेरा पैसा दे, ठीक है भाई। इतना ध्यान रखना, एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना बस। काउंटर क्लेम जो है 6A है, काउंटर क्लेम बाद में ऐड हुआ था, ईयर ध्यान रख लीजिएगा 1976 में ऐड हुआ है। काउंटर क्लेम ऑलमोस्ट क्या है, दूसरे का बिल्कुल पासा ही पलटने की बात कर रहा है वो, कि भाई मेरा नहीं है बल्कि मुझे तुझसे लेना है पैसा, वट एवर द डिफेंडेंट इन सूट मे इन एडिशन टू इज राइट ऑफ द प्लेडिंग अ सेट ऑफ, ऐसा भी हो सकता है सेट ऑफ भी मांग रहा है उसके अलावा काउंटर क्लेम भी कर रहा है, सेट अप वे ऑफ द काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ एनी राइट क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूइंग टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ आइदर बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ अ सूट, ठीक है, बट बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, बट किससे पहले होना चाहिए काउंटर क्लेम, डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम लिमिट फॉर द डिलीवरिंग ऑफ डिफेंस इज एक्सपायर्ड, विद इन द लिमिटेशन पीरियड में होना चाहिए और अपने डिफेंस रखने से पहले होना चाहिए, और शैल नॉट क्रॉस द पेक्यूनरी लिमिट, कोर्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करो काउंटर क्लेम उसने सपोज करो 6 लाख का करा जबकि कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है 5 लाख, तो ये काउंटर क्लेम नहीं चलेगा, इसको फिर ऊपर जहाँ ऊपर वाली कोर्ट है वहीं अपना सूट फाइल करना पड़ेगा। बाकी आप ये छोड़ दीजिए, सब्सिक्वेंट प्लेडिंग बाद में भी कुछ प्लेडिंग ऐड की जा सकती है, वे ऑफ डिफेंस ऑफ सेट ऑफ काउंटर क्लेम, रूल नंबर 9 पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, डब्ल्यू एस का 9, 8 का 9,
लीव ऑफ द कोर्ट है एनी टाइम, ठीक है, कोर्ट की मर्जी से, कोर्ट अगर चाहेगा तो अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि कोर्ट को ही तो संभालना है सारा। अभी ऑर्डर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकसली करते हैं जल्दी से, इट्स ऑलरेडी बीन 2 आवर्स। ऑर्डर नंबर 9 आई होप आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा। देखो इसमें ना लॉजिक है, अब रूल याद करोगे तो देखो आपकी चॉइस है, 2 या 2.5 घंटे में हम रूल याद नहीं कर सकते। इसमें क्या चीज है, एक तो प्लेंटिफ है, एक और है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कोर्ट में आता है अपने दावे को लेकर, ऐसा हो सकता है डिफेंडेंट अपियर नहीं हुआ, नॉट अपियर। अगर ये अपियर नहीं होता है डिफेंडेंट, तो प्लेंटिफ को क्या शो करना है, भाई समन सर्व हो गए, समन सर्व हो चुके हैं, इतना शो करना है। कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे, या कोर्ट एडजर्न भी कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले डेट में देख लेंगे, कोर्ट की मर्जी, एक्स पार्टे भी प्रोसीड कर सकते हैं ये भी, बट ही हैज टू प्रूव द समन हैज बीन सर्व्ड। अगर सपोज करो प्लेंटिफ ही नहीं आया, जिसको चोट लगी है वही डॉक्टर के पास नहीं आ रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है डिसमिस इन डिफॉल्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है डिफेंडेंट तो आया है, डिफेंडेंट कहता है हाँ जनाब मुझे कुछ पैसा देना है, पार्टली देना है, कुछ देना है, 100 रुपये इनने क्लेम करे, हाँ मेरे को 20 रुपये देना है, तो कोर्ट 20 रुपये डिसाइड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये तो खुद ही कह रहा है ना, एडमिटेड फैक्ट है, एडमिट कर रहा है कोर्ट में, तो 20 रुपये तो डिसाइड करेगी ना कोर्ट। एक तो ये हो गया हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। अब सपोज कीजिए इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, एक तो 9-13 ध्यान रखना है, 9-9 ध्यान रखना है, अब एक ऐसा हुआ सपोज करो एक्स पार्टे डिक्री पास हो गई, एक्स पार्टे डिक्री मतलब डिफेंडेंट नहीं आया, देखो जनरली क्या होता है एक्स पार्टे जो होता है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही होता है, मतलब डिफेंडेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या पता प्लेंटिफ ना, बहुत रेयर सिचुएशन में हो सकता है, बट हाँ अगर डिफेंडेंट नहीं है एक्स पार्टे हो गए तो डिफेंडेंट या डिक्री की बात है, तो इसको सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा देगा, सेट असाइड, डिक्री को सेट असाइड करना, एक होता है प्रोसीडिंग को, जिस दिन में नहीं आया उस दिन जो प्रोसीडिंग हुई है उसको सेट असाइड करना, तो दोनों की एप्लीकेशन लगती है। डिक्री तो डिसाइड हो गया ना, एक ही डेट पे तो नहीं, आगे की प्रोसीडिंग में मुझे चलने का अधिकार है, प्रोसीडिंग विद द डिफेंडेंट अपीयर ऑन द डे ऑफ अर्जेंट हियरिंग एंड द असाइन गुड कॉज प्रीवियस डिक्री अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट ऑफ द बार ऑफ द फ्रेश कोर्ट। तो एक चीज आप इनको एक बार देखो पूरा ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सारा एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेंगे, 7 भी इंपॉर्टेंट है इसका, ऑर्डर नंबर 9 का 7 गो थ्रू कर लेना, ठीक है, अब सारी चीज तो पढ़ नहीं सकते भाई, इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है। दस पे जो है ऑर्डर नंबर 10 अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारे अब ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आते हैं। ऑर्डर नंबर 10 क्या है भाई, प्लेंट भी आ गई, WS भी आ गई, प्लेडिंग स्टार्ट हो गई है, अब ऑफकोर्स ही बात है कोर्ट के सामने जब पार्टी फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आएगी तो कोर्ट एग्जामिन कर सकती है, एग्जामिन पूछताछ करेगी कि दोनों पार्टी से कर सकती है, बट इतना ही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से कंसर्न्स ऑफ द रिफ्यूजल एनएबिलिटी, इसमें से मुझे नहीं लगता कोई आएगा भाई, इतना ध्यान रखो ऑर्डर नंबर 10 एग्जामिन है, अगर मन करे तो रूल नंबर 4 पढ़ लेना बस। अब कुछ ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं टच कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे या नहीं आएंगे, आई डोंट नो, बट फिर भी मुझे लगता नहीं कि इतने इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नंबर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अब कई बार क्या होता है ये ऑर्डर नंबर 11 किससे डील करता है, इंटेरोगेटरीज से भी डील करता है, इंटेरोगेटरीज, इंटेरोगेटरीज क्या होती हैं, कई बार क्या होते हैं जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी से लिख कर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती है, लिख कर कि भैया इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए आप, तो दूसरी पार्टी जो जवाब देगा तो ऑफ कोर्स ही बात है फ्यूचर में रिकॉर्ड में लग जाएंगे, इससे फायदा मिलेगा, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटरीज, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है ये, तो क्योंकि ये ऑलरेडी एडमिटेड चीज होगी तो उससे हमें फायदा मिल जाएगा, इट्स नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स का मेन में भी नहीं आता है तो।
भाई इतना ध्यान रखिए इंटरोगेटरीज होती क्या है, रूल नंबर 1 ध्यान से पढ़ लेना बस। ऑर्डर नंबर 12 एडमिशंस, नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ द केस, एनी पार्टी सूट में गिव अ नोटिस बाय हिज प्लेडिंग और अदरवाइज इन राइटिंग दैट द ही एडमिट्स द ट्रुथ। एडमिशन क्या है, ऑफ कोर्स ही बात है, एडमिटेड फैक्ट नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, जो बात एडमिट हो ही गई है तो इस बात का वो नोटिस दे सकता है कि ये बातें हमें मान रहा हूँ, या पूरा क्लेम मान रहा हूँ या आधा क्लेम मान रहा हूँ। एडमिशन है, ईदर पार्टी में कॉल अपॉन ईदर पार्टी टू विद इन द 7 days, ठीक है, ये कोई आता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन। ऑर्डर नंबर 13 जो इम्पोर्टेंट है मैं वहीं रुकूंगा अभी, ठीक है। प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड द रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब ऑफकोर्स ये बात है किसी मुद्दे के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी तो कोर्ट क्या कर सकती है, द पार्टी और द प्लेडिंग शैल प्रोड्यूस ऑन और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ओरिजिनल, भाई कोर्ट में ओरिजिनल जमा कराइए, जिन जिन पार्टी के पास जो मामले हैं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। ऑफकोर्स ये बात है, हमने एक सेक्शन नंबर 65 भी पढ़ा था एविडेंस एक्ट का, सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन व्हेन द ओरिजिनल इन द पोजीशन ऑफ अदर पार्टी एंड इज रिफ्यूजिंग, जब वो मना कर रही है दूसरी पार्टी लाने से या ओरिजिनल लॉस्ट हो गया, देन द सेकेंडरी एविडेंस कैन आल्सो बी प्लेस बिफोर द कोर्ट। और अगर जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगा दिए गए कोर्ट में, कोर्ट को लगता है भाई इंपाउंड कर ले, जब्त कर ले फॉर द टाइम बिंग, अपने पास रख लेंगे, वापस नहीं करेगी, जब काम बन गया तो रिटर्न कर देगी। इसका आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऑर्डर नंबर रूल नंबर 1 देखना है, ठीक है, ओनली रूल नंबर 1 देख लीजिए, सिर्फ ऑर्डर नंबर रूल नंबर 1 देख लेना। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है, वैसे पढ़ा है आप लोगों ने ये पहले, पढ़ाते थे ये, अभी तो नहीं पढ़ा, तो वही है, पढ़ता कौन है इनको, पूरा सीपीसी कोई पढ़ता है क्या, कोई नहीं पढ़ता, जरूरत की चीजें पढ़ते हैं। ये ऑर्डर नंबर आता है 14, ऑर्डर नंबर 14 क्या है, अब ठीक है कोर्ट को लग रहा है मामले में जान है, इंटेरोगेटरीज भी आ गई है, डॉक्यूमेंट भी कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गए हैं, एक काम करते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर लेते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, अब मुद्दे बना लेते हैं, जैसे हम वहां पर चार्ज बनाते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यहाँ इश्यूज बनेंगे, ठीक है। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे हो सकते हैं, एक पार्टी कुछ कह रही है दूसरी पार्टी मना कर रही है, भाई लिख के भी हो सकते हैं, सब उसे अपने अपने कहेंगे भाई तुम भी अपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ले आओ, मुद्दे ले आइए, दूसरी पार्टी से भी मंगा लेंगे, कंपेयर करके कोर्ट बना लेगी, कोर्ट का काम है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। आगे बढ़िए, कुछ देखना चाहो तो देख लेना, प्लेन रीडिंग ऊपर ऊपर से कर लेना। कोर्ट कई बार क्या कर सकती है, रूल नंबर 4 पढ़ लेना इसके बाद, ज्यादा से ज्यादा पूछताछ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एग्जामिन कर सकते हैं पार्टीज को, विटनेसेस को बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ऑर्डर नंबर 15 डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हेयरिंग, ठीक है, फर्स्ट हेयरिंग पे मामला कुछ नहीं बन रहा, कोर्ट को लगता है फर्स्ट हेयरिंग पे ही द पार्टी आर नॉट एट इशू, कुछ मुद्दा ही नहीं है पार्टीज का, बेकार में कोर्ट का टाइम भी खराब कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, कोर्ट उसी दिन जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा और मना कर देगा भाई ठीक है कुछ है ही नहीं, ट्रायबल इशू नहीं, आप अपने अपने घर जाइए, पार्टी इज नॉट एट इशू, फर्स्ट हेयरिंग पे खत्म, या कुछ बन भी रहा है तो उस पर जजमेंट दे के खत्म कर देगा, ब्रीफ मैनर में खत्म कर देगा मामले को। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ऑर्डर नंबर 16, अब लगता है मामला चलना चाहिए, प्रॉपर ट्रायल चलना चाहिए, प्रॉपर ट्रायल चलना चाहिए, समन भेजेगा, समन इन अटेंडेंस ऑफ विटनेस, अब इनको कहेगा भाई कोर्ट में आइए, ठीक है, समन का वही प्रोसेस है जो ऑर्डर नंबर 5 में, उसी तरीके से समन चले जाएंगे, बट उससे पहले क्या होगा, 15 दिन पहले लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये स्टार में लगा रहा हूँ, 15 दिन पहले ऑन और बिफोर द सेट डेट एज अ कोर्ट में अपॉइंट एंड नॉट लेटर देन 15 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच द इश्यूज आर सेटल्ड द पार्टी शैल प्रेजेंट इन द कोर्ट अ लिस्ट ऑफ विटनेस, लिस्ट ऑफ विटनेस लगेगी कोर्ट के अंदर, ठीक है, कम से कम 15 दिन पहले, whom they propose to call either as evidence, जिन जिन लोगों को एविडेंस लाने हैं, डॉक्यूमेंट लेके आने हैं या खुद आना है, 15 दिन पहले, इसका रूल नंबर 1 पढ़ लेना बस। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के 15 दिन बाद लिस्ट ऑफ विटनेस देने होंगे। हाँ, लेकिन ठीक है, उनको बुलाने से पहले भी तो मौका देना चाहिए। ऑन और बिफोर द सच डेट एज अ कोर्ट में अपॉइंट एंड नॉट लेटर देन, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर विद द इश्यूज आर सेटल, मामले सेटल हो गए ना,
तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप लिस्ट ऑफ विटनेस दे दीजिए, ठीक है, 15 दिन के अंदर, 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। पता चला तुम 6 महीने बाद दोगे क्या लिस्ट ऑफ विटनेस, जब सेटल हो चुका है मामला, ठीक है, ये मुद्दों पे हम बहस करेंगे आगे, तो 15 दिन दे दिए, उसके अंदर अपना लिस्ट ऑफ विटनेस दीजिए, देन ओनली विल इशू द प्रोसेस। रूल नंबर 1 पढ़ लेना काफी है बस, प्रोसेस ऑफ विटनेस फेल टू कंप्लाई विद दी समन। एक रूल नंबर 10 पढ़ लेना इसका, 16 का 10, उसमें वही है, अगर अवॉइड कर रहा है समन को तो क्या करेंगे, ठीक है, अब अवॉइड कर रहा है तो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, कंपेल करेंगे, दबाव डालेंगे, उसमें लिख देंगे भाई ये तो अवॉइड कर रहा है, जो अवॉइड कर रहा है तो कोर्ट आगे चलेगी, एक्स पार्टे कर देगी, फिर नहीं आ रहा तो जो प्रोसीड करेगी कोर्ट, ठीक है। प्रोसेस वेयर द विटनेस फेल टू कंप्लाई विद द समन, एक बार पढ़ लेना बस इतना ही है। 16 है, ये तो कभी आएगा ही नहीं पेपर में, छोड़ो आगे चलो, आ जाएगा तो प्लीज एक बार आप रीड कर लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना क्या है। ऑर्डर नंबर 17 एडजनमेंट, एडजनमेंट के लिए सिर्फ एक पॉइंट देखना है आपको इसमें, एडजनमेंट का सिर्फ रूल नंबर 2 देखना है आपको, सिर्फ रूल नंबर 2, वो भी देखना है, पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है देखो, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा किसी भी मामले में कितने एडजनमेंट हो सकते हैं, 3 एडजनमेंट हो सकते हैं, और यही बात एमपी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, एमपी के कोई भी जो एक्ट है ना आप पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है 3 एडजमेंट। देखो एमपी का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉपी है सीपीसी का, सीपीसी है, बाकी उसमें आ गया। हाँ बोलिए सर, क्योंकि 3 एक पार्टी के लिए है तो दूसरी पार्टी भी तो एडजमेंट ले सकती है, तो टोटल 6 हो गए ना। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, 6 एडजमेंट हो, 3 एडजमेंट होते हैं, ये एक पार्टी का नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन देखो ऐसा है, एक्सपीडियसली एज पॉसिबल मैटर डिसाइड होना चाहिए, अगर एडजमेंट रीजनेबल ग्राउंड पे मांग रहे तो दोनों पार्टी में से चाहे 10 बार मांगे कोर्ट दे सकती है, और कोर्ट जब एडजमेंट देगी तो कॉस्ट लगा देगी ना। अच्छा, ये नहीं है इसकी इंटरप्रिटेशन, ये मत निकालना 3+3 6 नहीं है, ये टोटल है 3, अब चाहे दोनों पार्टी में से कोई भी मांग ले, ऐसा नहीं। हाँ जी, जो पार्टी लिखी है इसका मतलब ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन है नहीं की एक, अब अगर कोई लेटेस्ट जजमेंट हो तो आप मुझे दिखा देना, ऐसा नहीं की 3 बार एक पार्टी मांग रही 3 बार एक, टोटल 6, ऐसा नहीं है वैसे। अब एक मामले के अंदर ही 3 बार एडजमेंट होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अब ये 3 बार एडजमेंट भी अगर फ्रिवलेस मांगा जा रहा है तो कोर्ट कॉस्ट लगा देती है, ठीक है। वैसे ए लिखना पेपर में आया तो ए, लेकिन इसका मतलब 6 मत लिख लेना, क्योंकि अगर आपके पास कोई जजमेंट है तो डेफिनेटली यू कैन शो इट टू मी, अदरवाइज 3 times to a party। अगर आपने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है तो मेरे को जरूर दिखा देना, 6 बार आपने कहीं पढ़ा है तो, पढ़ा है कहीं कोई लॉ वो है आपके पास? नहीं सर, किसी केस लॉ में तो नहीं पढ़ा, बस इसी की इंटरप्रिटेशन है दे रहे हैं। देखो कई बार क्या होती है, अपनी इंटरप्रिटेशन लगाना भी गड़बड़ हो जाती है। अगर कोई केस लॉ है, हो सकता है आपके पास कोई केस लॉ, ढूंढ के मेरे को भी भेज देना। ए पार्टी का मतलब क्या, हम उसमें 6 बार मान ले, अलग अलग मान ले, एक ही बार है मेरे हिसाब से, तो वो एक ही बार है, दोनों में से कोई भी पार्टी मांग रही है, मैक्सिमम 3 times। ऑर्डर नंबर 18, हेयरिंग ऑफ द सूट एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। अब मामला आगे चला है, ऑफ कोर्स ही बात है हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इसमें आप बहुत छोटा सा तो है, इसमें एक बार ऑर्डर नंबर 4 देख लेना, सॉरी रूल नंबर 4, ऑर्डर 8 रूल नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस तरीके से होंगे, वही तरीका है जो हमें एविडेंस एक्ट में है। पहले चीफ होगा, शैल बी ऑन एफिडेविट, कॉपी शैल ऑफ बी सप्लाई टू द अपोजिट पार्टी, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर 4। वैसे ये बेसिक है, ये आप कर लोगे अगर आपको एविडेंस आता है ना, तो ये भी किस तरीके का प्रोसीजर है ये ऑप्शन से आपको अंदाजा लगा लेंगे। रूल नंबर 12 देख लेना, डेमिनर, अगर विटनेस का किस तरीके का क्या बोलते हैं इसको, व्यवहार है विटनेस देते हुए, वो कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगी,
लॉजिक है इनमें सारा, अगर आप इन ऑर्डर्स को पढ़ोगे ना अंदर से तो वो लॉजिक है. ऑर्डर नंबर 19 एफिडेविट, इसमें कुछ है नहीं वैसे. एफिडेविट पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव बाय द एफिडेविट, कोर्ट कह सकती है भाई अपनी बात जो कह रहे हो एफिडेविट से सबमिट, एफिडेविट के जरिए करिए ठीक है. अपनी बात से फिर मुकर नहीं पाएगा ना एफिडेविट अगर दे देगा तो. ऑर्डर नंबर 20 जजमेंट एंड डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस द जजमेंट इन ओपन कोर्ट. ये देखो ओपन कोर्ट की बात की गई है, तो अगर आप सीआरपीसी पढ़ लिए होंगे तो सीआरपीसी में 53 है ना, इधर एडवांस और सून, और उसके लिए कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी और प्लीडर्स को नोटिस दे दिया जाएगा, और अगर पॉसिबल है तो 30 डेज के अंदर डिक्री के बाद मीन एंडेवर शैल बी मेड बाय द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विद द हियरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड. 30 दिन जिस दिन मामला कंक्लूड हुआ है उसके 30 दिन के अंदर जजमेंट दे दे. अगर मैक्सिमम टाइम चाहिए तो 60 दिन और, मतलब टोटल 30 डेज और टोटल 60 दिन ठीक है. शैल नॉट ऑर्डिनरी बी अ डे बियॉन्ड 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन द विद द हियरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड. तो यहाँ पे अगर आप 30+60 मानोगे या 30+30=60 मानोगे, बड़ा सिंपल. हाँ जी सर, इन टोटल 60 होना चाहिए. इन टोटल 60 है ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है कंक्लूड हो गया उस दिन के 60 दिन, उस दिन के बाद से 60 दिन. आगे चलिए 6A देख लेना, रूल नंबर 6A डिक्री 15 दिन के अंदर आ जानी चाहिए. किसके एंडेवियर यानी प्रयत्न किया जाएगा. शैल बी मेड टू इंश्योर दैट द डिक्री इज ड्रॉन अप एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड इन एनी केस विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस ठीक है. 15 दिन जजमेंट के 15 दिन के अंदर डिक्री. सर वो 30 डेज क्या था सर, फिर वो वहां पर वो जजमेंट वो कंक्लूजन जिस दिन दोनों पार्टियों को सुन लिया है ना, दोनों पक्षों को सुन लिया, ए और बी दोनों पक्षों को सुन लिया, मैटर हो गया कंक्लूड. अब जजमेंट होगी, अब जजमेंट देनी पड़ेगी इस डेट को. सपोज करो 1 जनवरी 2021 को हमने दोनों पार्टियों को सबको सुन लिया, इस 1 जनवरी से 30 दिन के अंदर 31 जनवरी तक क्या आएगी जजमेंट. यहाँ तक जजमेंट आनी चाहिए, ये एक्सपेडिशियस पॉसिबल है प्रैक्टिकली तो आपको पता है कि टाइम लग जाता है. इतनी डेट तक आ जाए ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, प्रयत्न इस चीज का होगा इस तारीख तक आ जाए. अब इस डेट से जिस दिन जजमेंट आ गई है, क्या पता जजमेंट 5 फरवरी को आई हो, इस 5 फरवरी के 15 दिन के अंदर, इसकी 20 बन रही है ना 20 फरवरी तक, डिक्री आनी चाहिए. पहले जजमेंट आती है फिर डिक्री आती है ठीक है, जजमेंट के बाद डिक्री आती है. एक वो है ना डिक्री फॉलोज या जजमेंट ऐसे करके एक लाइन है ना, डिक्री फॉलोज द जजमेंट, एग्री विद द जजमेंट ऐसे लिखा हुआ है ना सर 6 में ऊपर. हाँ वो कौन सा रूल है, इस रूल में लिखा है डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, तो जजमेंट के बाद में डिक्री बनती है इसका मतलब. हाँ डिक्री तो बाद में बनेगी, डिक्री एक पेज की होती है हार्डली, एक या दो पेज की होगी जिसमें कोर्ट का नाम होगा अल्टीमेटली क्या है, और जजमेंट 100 पेज 200 पेज 50 पेज कुछ भी हो सकते हैं जिसमें डिसीजन है ना सारा पूरा. ठीक है सर. रूल नंबर 6 कौन से रूल में लिखा है वाली लाइन, लेकिन मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ इसी वाले 20 के 6 में ही लिखा हुआ है ना. एक सेकंड 20 के 6 में फॉलो वाली बात कर लेंगे, फॉलो वो सेंटेंस पूरा देखना फॉलो. हाँ तो फॉलो भी कहीं पे लिखा हुआ है शायद स्टार्टिंग में ही कहीं लिखा. अच्छा तो नहीं वैसे वो है वो रूल है वो तो 15 दिन के जजमेंट के 15 दिन के बाद डिक्री आनी चाहिए. चलो कॉस्ट वॉस्ट से तो क्वेश्चन आता नहीं है. ऑर्डर नंबर कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है खर्चे. 20 का ए कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट खर्चे. खर्चे क्या है, टाइपिंग ठीक है, कई सारे एक्सपेंडिचर है, इनकर्ड फॉर द गिविंग ऑफ अ नोटिस देने का, ये सारा एक बार देख लेना. विटनेस आ रहा है तो कोर्ट में भैया उसके एक्सपेंडिचर भी तो उठाएगा,
आप जिसको कोर्ट में बुला रहे हैं तो कोर्ट में विटनेस को बुलाने से पहले कोर्ट में पैसा जमा कराए, ये सारे खर्चे हैं, या कोर्ट ने कुछ कॉस्ट इम्पोज कर दी हो। और आगे भी हम देखेंगे सेक्शन कॉस्ट के भी हैं ऑलरेडी, ये आपके सेक्शंस हैं। हाँ जी, वो डिक्री शैल फॉलो वाली बात सेक्शन 33 में लिखी है। सेक्शन सभी छोड़ रखे हैं हमने, बीच में पढ़ेंगे भी उसको जल्दी से क्विकली। हाँ ये वाली लाइन, ये बार बार बोल जाता हूँ मैं इसका, डिक्री शैल फॉलो एंड ऑन सच जजमेंट, जजमेंट आने के बाद अ डिक्री शैल फॉलो, ये लाइन ध्यान रखना ठीक है। इसमें एक जगह लिखा ना कॉस्ट की बात भी लिखी है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। कॉस्ट हमारा 35 में तो है ही, ठीक है 35 के साथ पढ़ लेना इसको एक बार। कंपनसेटरी कॉस्ट भी जो है वो भी ध्यान रखना। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या आता है, 35A जो है ना, 35A में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, विच एवर इज लेस, वो ध्यान रखना है आपको। 35A कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉल्स और वेक्सेसेस क्लेम ऑफ द डिफेंस, अगर आपने झूठा दावा डाला है, फॉल्स क्लेम या वैक्सेशन सूट डाल दिया है, क्लेम कर रहे हैं आप कोर्ट में, कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं, 3,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3,000 रुपीज और एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन व्हिच एवर इज लेस। अब कोर्ट की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तो 5 लाख की है, तो 5 लाख की कोर्ट थोड़ी ना दे देगी, विच एवर इज लेस, ये ध्यान रखना, विच एवर इज लेस 35 के ए में याद रहेगा। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भाई कई बार सेक्शन 35 कॉस्ट। अच्छा एक चीज करते हैं, हमने बीच में कई सारे छोड़ दिए थे ना, सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 30 ये संबंध से रिलेटेड है सारे, 32 तक इसको क्विकली कर लेते हैं ठीक है। 30 डेज के वही हमारी 27 में 30 डेज वाली बात की गई, 30 डेज के अंदर समझ आने चाहिए जैसे दावा स्टार्ट करा, अगर कहीं और स्टेट में रहता तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉरेन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 31 जरूर देख लेना एक बार, द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट 27 28 29 शैल अप्लाई टू समवन टू गिव अ प्रोडक्ट, चलो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 32 देखो आप, 32 पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, द कोर्ट मे कंपेल द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन टू हुम अ समन हैज बीन इशूड अंडर 30 एंड फॉर दैट पर्पस मे इशू। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विटनेस को समन हुआ नहीं आ रहा है, तो इसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखना ठीक है, अरेस्ट किया जा सकता है, अटैच और से उसकी प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, अटैच और सेल, इम्पोज अ फाइन ऑफ रुपीज नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, ये ध्यान रखना है, 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। वैक्सीशियस क्लेम है तो 3,000 रुपये तक का फाइन, और विच एवर इज लेस पेक्यूनरी लिमिट से, यहाँ पर है 5,000 रुपये तक का फाइन लगेगा, और उसको सिविल प्रिजन भी हो सकती है, शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिंपल वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है, सिविल प्रिजन मिलेगी यहाँ पर ठीक है, सीपीसी में सिविल प्रिजन मिलेगी ओके। तो ये 32 ध्यान रखना है आपको, और 33 जजमेंट ऑर्डर नंबर 20 इसको पढ़ लेंगे जजमेंट इसके साथ। इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन आता तो 6% नॉट एक्सीडिंग 6% से ज्यादा नहीं होगा, भाई इतना ध्यान रखो हटाइए। 35A हो गया, कॉज फॉर कॉजिंग डिले, अगर 35B एक बार देख लेते हैं, 35B जानबूझकर डिले कर रहा है तो भी इस पे कॉस्ट लगाई जा सकती है, कॉस्ट कितनी होगी जो भी कोर्ट डिसाइड करे, रीजनेबल हो सकती है, कोई अमाउंट तो इसमें दे नहीं रखा ठीक है, तो कोर्ट जो डिसाइड करे, और कोर्ट ये भी कह सकते हैं पहले कोर्ट जमा कराइए तभी आपकी बात सुनी जाएगी ठीक है। तो अभी हम कौन से ऑर्डर पे पहुंच गए थे, कॉस्ट हमने पढ़ लिया, अब यहाँ से आता है 21 मैंने आपको कहा था भैया 21 तो अपने में एक बहुत टेढ़ी खीर है, ऑर्डर नंबर 21 एंड सेक्शंस हमारे इसमें कवर हो रहे हैं 36 से लेकर 74 तक। देखो क्विकली कैसे करते हैं इसको, इसके पहले सेक्शंस देख लेते हैं,
अब एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर कोर्ट ने जो भी डिसीजन दे दिया है, डिक्री जो दे दिया है, डिक्री आने का कोई फायदा नहीं जब तक आप एग्जीक्यूशन पेटीशन नहीं लगाते हैं। एग्जीक्यूशन पेटीशन लगानी पड़ेगी आपको कोर्ट में, देन ओनली द कोर्ट आपकी बात को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका डिक्री आ गई, आप घर पे उस डिक्री को अपने दीवार के फ्रेम पे लगा लीजिए, किसी काम की नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगर फ्रूट्स खाने हैं जो कोर्ट ने, आपने इतनी मेहनत करी है, कोर्ट ने मेहनत करी है आपके साथ, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। डिक्री एग्जीक्यूशन करने के लिए कहाँ लगाएंगे, सेम कोर्ट में लग सकती है। कई बार क्या होता है भैया, सेम कोर्ट में लगाई है, फौर्सी बात है, प्रॉपर्टी वहीं पे थी, वहीं लगा दी। कई बार उस इंसान की जो डिफेंडेंट है, जिसके अगेंस्ट, अब यहाँ डिफेंडेंट की जगह मैं बोलूंगा जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो यूपी में है, तो भैया जो डिक्री है भाई यहाँ की जो कोर्ट है वो नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगी, यूपी भेजनी पड़ेगी डिक्री। तो यूपी की कोर्ट में हम एग्जीक्यूशन पिटीशन लगा के यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो यूपी की कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। अब क्वेश्चन ये भी है कि यूपी की कोर्ट इस डिग्री के पीछे जाके झांक के देख सकती है कि भी क्या डिसीजन पास हुआ है, गलत है नहीं है? बिल्कुल नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री। तो अब आपको कुछ सेक्शंस पे ध्यान देना है, इसी पर्पज को, इसी फिलोसफी को ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन करते हुए कोर्ट क्या क्या कर सकती है, ऑर्डर नंबर 30, ये जो 21 है इसके अंदर काफी चीजें हैं, जैसे ऑर्डर नंबर 46 भी इम्पोर्टेंट रूल नंबर, जो एक हमारा सेक्शन है, सॉरी चलो सीक्वेंस में पढ़ा देता हूँ, प्रिसेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। सामने वाले की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, ऑफ कोर्स ही बात है, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा देगा तो वो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं ना, डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है ना, तो कोर्ट वर्क विद द डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड सेक्शन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सेक्शन 38 जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सेक्शन 38 में क्या लिखा था, कोर्ट बाय विद डिग्री में भी एग्जीक्यूट किसके द्वारा हो सकती है, देखो वही बात है, कोर्ट जिसने पास करी और जहां भेजी गई है एग्जीक्यूशन के। सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ अ डिग्री, ठीक है, डिग्री ट्रांसफर कर दी गई है किस लिए, जहां पे वो काम करता है, प्रॉपर्टी जहां पे कहीं और सिचुएटेड है, क्योंकि ये वाली दिल्ली की कोर्ट कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, प्रॉपर्टी कहीं और है, आउटसाइड है। तो इसको बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लेना, मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे, इसको ऊपर समझा चुका हूँ कि यूपी की कोर्ट है तो यूपी की कोर्ट के लिए ट्रांसफर करनी पड़ेगी डिग्री, बाहर रहते हैं वहीं पे प्रॉपर एग्जीक्यूट हो पाएगी, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी नहीं है उसकी। ट्रांसफर डिग्री टू द कोर्ट इन अनदर कोर्ट, बिल्कुल ये तो वही है, रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। बाकी ये 42 पढ़ना, ठीक है, इसके बाद 42 पढ़ना, पावर ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री, जिसको ट्रांसफर की गई है वो क्या कर सकती है। The court executing a decree sent to it shall have the same power. बिल्कुल same power होगी भाई, इसका इतना ध्यान रखना है। Same power का मतलब है वो ऐसे ही execute करेगी जैसे उसने खुद ने पास करी हो, ठीक है, same power है उसके पास। आगे चलिए, 43 execution decree passed in civil court in the place of the which the court does not action, हटाइए 44, हटाइए 44 ए, एक बार देख लेते हैं, हटाइए 44, रहने दीजिए, पढ़ लेना आप अगर आपका मन करे तो, बट क्योंकि है तो सारे सब चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कानून की किताब में जो चीज लिखी है वो इंपॉर्टेंट तो होती है। 46 देख लेना डायरेक्ट, आप इसको सिर्फ प्रिसेप्ट देखिए, क्या होता है प्रिसेप्ट, मतलब प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है ना जजमेंट डेटर के, अगर उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, भैया पता चला वो प्रॉपर्टी गायब कर देगा, उससे बढ़िया जब्त कर लो, और जब्त करने की वैल्यू जो रहेगी कितने महीने की रहेगी, 2 महीने, ये ध्यान रखना है भाई, इतना ध्यान रखो बस। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की प्रोविजंस। ओरिजिनल कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ऑर्डर देगा ना कि मतलब उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है वो। हाँ जी, उसमें एप्लीकेशन लगाएगा ना, प्रिसेप्ट खुद नहीं होता ना, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी बेच देगा, इसकी जरा प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रिसेप्ट करवा लीजिए, हो जाएगा। एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि इसको डिग्री होल्डर को। नाउ 47 क्वेश्चन टू बी डिटरमाइन द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग, देखो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, ऑल द क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज, ये ध्यान रखना है, जो पार्टीज के बीच में सूट के दौरान, अगर एग्जीक्यूटिंग के दौरान जो अब कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, विच द डिग्री वॉज पास और द रिप्रेजेंटेटिव रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन को लेकर, डिस्चार्ज को लेकर, या फिर
सेटिस्फेक्शन को लेकर, अगर ये कोई पंगे आ रहे हैं देन ओनली द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन डिसाइड इट। कहाँ पे पढ़ा आपने ये? 47 47 में ये डिसाइड कर सकता है, बट डिक्री के पीछे क्या हुआ वो नहीं जाएगा भाई, ये ध्यान रखना है भाई, इतना ही से काम चल जाएगा। लॉजिक लगाना, लॉजिक ये लगाना कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हर चीज डिसाइड नहीं कर सकता, बट जब एग्जीक्यूट करने जाएगा कई लोग होंगे जो क्लेम कर रहे होंगे भाई तो हमारी प्रॉपर्टी है, वो डिसाइड कर सकता है, वो कई सारे लोग आ जाएंगे ना भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो देख सकता है भाई किसकी प्रॉपर्टी है, सही जगह जब्त कर रहे नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 51 देख लेना इसके लिए, पावर ऑफ द कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, क्या क्या कर सकता है, बाय डिलीवरिंग एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली, अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है रिसीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना 51 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो पांचों काम है वो कर सकता है। आगे चलिए, ये हटाइए बेकार है प्रोविजन सारे। 55 अरेस्ट भी कर सकता है, डिटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। 56 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 56 में क्या है कि जो वुमेन है अगर मनी डिग्री को एग्जीक्यूट करना है, मनी डिग्री से पैसे से रिलेटेड मामला है, तो औरत को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता 56, ठीक है, सिविल प्रिजन में नहीं डाला जाएगा, ना ही उसको डिटेंशन दिया जाएगा, डिटेंशन एंड रिलीज। ओके, अब एक चीज है 58 और देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 58 में क्या लिखा है? 2000 से कम है तो कुछ नहीं होता, 2000 से 5000 तक 6 वीक का और 5000 से ऊपर 3 महीने तक। एक्सीडिंग 5000 से ऊपर है मामला तो 3 महीने, 2000 से कम है तो सिर्फ 6 हफ्ते तक के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, सिविल इम्प्रिजनमेंट। अब ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इतना समझ में आ जाए तो वह बहुत, इतने से भी काम चल जाता है, लॉजिक लगाना, ठीक है, कई चीजों पे, अगर बीमार बीमार पड़ गया तो छोड़ना पड़ेगा। 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है 60 में से तो क्वेश्चन बनाना चाहिए, अगर मैं बनाऊंगा पेपर डेफिनेटली। प्रॉपर्टी लायबल टू बी अटेंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, अब ऑफकोर्स ही बात है पूरा एग्जीक्यूशन करने में जिस संपत्ति को जब हम जब्त करने जा रहे हैं उसमें कई सारे इश्यूज आएंगे, हम कितनी संपत्ति जब्त करें, क्या क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको, मुझे लगता है आपको पहले ही पता होना चाहिए, पता है सबको क्या था ये सेक्शन 60 तो पढ़ा ही होगा, हाँ सर पढ़ा तो है, तो एक बार और पढ़ लेना, ये जरूर पढ़ लेना, वैसे अब टाइम है नहीं, कूल रहो कूल, ठीक है, टेंशन ना लेना, लॉजिक पे अपने क्वेश्चन देना, इसका फंडा क्या है, देखो 60 में कुछ ऐसी चीजें जिसको हम जब्त नहीं कर सकते, अब बेचारा क्या नाम है जो आर्टिशन है उसके टूल है, एग्रीकल्चर है उसके टूल है, वो नहीं जब्त हो सकते, नेसेसिंग वेलिंग जो उसने कपड़े पहन रखे, कपड़े उतार के थोड़ी ना भेजेंगे उसको, जा तेरे कपड़े ले लिए, ठीक है। इसमें और देखने वाली क्या चीज है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा एक मेंटेनेंस को लेकर, जो 1 है ना, 1 और 1A, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंसान की कितनी सैलरी जब्त हो सकती है ये हम नहीं बताइए, जरा इंसान की सैलरी कितनी जब्त हो सकती है इन केस ऑफ डिक्री फॉर द मेंटेनेंस, उसमें हो सकती है उसकी 2/3। और अगर वैसे है विदाउट मेंटेनेंस, इन केस ऑफ डिग्री व्हिच इज नॉट फॉर द मेंटेनेंस, मतलब अदर डिग्रीज, उस केस में उसमें एक फंडा है, में से माइनस 1000 प्लस 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, बिल्कुल ये ध्यान, ये ध्यान रखना है आपको, अगर एनी डिग्री अदर देन डिग्री ऑफ मेंटेनेंस है, विदाउट मेंटेनेंस वाली है तो ये है, बनाऊंगा अभी मैं चार्ट, और मेंटेनेंस अगर देना है तो ये, तो यानी मेंटेनेंस अगर इंसान की 10,000 रुपए सैलरी है तो मेंटेनेंस अगर देना है तो उसकी 2/3 सैलरी तक जा सकती है, 2/3 सैलरी समझ रहे हो कितना, 6600 रुपए तक जब्त हो जाएंगे उसके, 66 समझ गए, ये बात क्लियर है। और अगर उसका मेंटेनेंस किसी को नहीं देना है अदरवाइज, 10,000 रुपए उसकी अगर सैलरी है तो 10,000 में से पहले 1,000 रुपए कटेंगे, बची 9,000 का हम निकाल लेंगे 2/3,
दो तिहाई कितना आ गया इसका, 6,000 आ गया। 6,000 6,000 में जोड़ देंगे 1,000, तो 7,000 इसकी जब्त नहीं होगी, ये नहीं होगी, यानी 3,000 जब्त हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 3,000 जब्त हो सकती है, यहाँ पर 6,600। हाँ जी, जब्त हो सकती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, मैंने बहुत बार देखा ही आता है। बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं, हमेशा गलत करते हैं वो, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते वो कहना क्या चाह रहा है। 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, अरे वो क्वेश्चन ये पूछेगा कितनी जब्त नहीं हो सकती। अगर आप इसको देखेंगे ना, प्रोवाइडेड दैट 60 का प्रोवाइजो पढ़ोगे ना, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट, कितनी नहीं होगी, ध्यान रखना कितनी नहीं होगी, कितनी नहीं होगी, 1/3 ऑफ द सैलरी नहीं होगी, यानी 1/3 कितनी बची, 3,400 रुपए नहीं होंगे, यानी की कितनी जा सकती है, 6,600। समझ में आई बात? यस सर। लोग इसी को गड़बड़ करते हैं, वो प्रोवाइजो भूल जाते हैं, क्योंकि बड़ा सेक्शन है ना, पेज पलट जाता तो प्रोवाइजो भूल जाते हैं। प्रोवाइडेड है ये सर, कौन सा प्रोवाइजो की बात कर रहे हो? जो सारी कंडीशन प्रोवाइजो में लिखी है ना, प्रोवाइडेड दैट 60 के, तो प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लायबल टू अटैच, तो 3,400 रुपए उसके जब्त नहीं होंगे, बाकी पूरी हो जाएगी। तो उल्टा समझ लेते हैं, बच्चों को लगता है कि भाई उन्हें लगता है कि 3,400 रुपए क्या नाम है पे किए जा सकते हैं, 6,600 रुपए जब्त नहीं होंगे, उल्टा कर देते हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। आगे चलो, 73 पे आ जाइए। प्रोसीड्स ऑफ द एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? अगर सपोज करो हमें एग्जीक्यूशन में 10,000 रुपए मिले और इसमें शिकायत करता कई सारे हैं, तो ए को 10,000 रुपए दे दें क्या सारे? सबको इनके प्रोपोर्शनेटली क्लेम में जाएगा, जो जो इनका प्रोपोर्शनेट है ना उस हिसाब से जाएगा। हाँ, जितना जितना शेयर है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदे के तो 10,000, एक के इसके 20,000 बन रहे हैं, इनके 5,000 है, इनके 5,000 मान, ऐसा नहीं कि 10,000 इसको सीधा पकड़ा देंगे भाई। 10,000 का जो प्रोपोर्शनेट बन रहा होगा ना, सबका निकालने के हिसाब से जाएगा पैसा। अगर कोई रेजिस्ट करेगा, 74 भी इंपॉर्टेंट है, अगर रेजिस्ट करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, कितनी सजा है, 30 दिन की सजा है, 30 डेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, खत्म करते हैं। अब ऑर्डर नंबर 21 जो है ना, वो एक बार देख लेते हैं क्या कहता है ऑर्डर नंबर 21। अब एक बार आप अपने हिसाब से देख लेना, इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या देख सकते हैं आप, जस्ट वेट। अभी इतना बड़ा ऑर्डर है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं, सिंपल सा प्रोसीजर है वैसे तो। ऑर्डर नंबर 6 देख लेना एक बार, ठीक है, 6 देख लेना। ऑर्डर नंबर 15 जॉइंट और डिग्री हु कैन फाइल, 15 से 16 देख लेना। तो किसको बता रहे हैं आप? ऑर्डर नंबर 21, ऑर्डर नंबर 21, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर 30 से 36। अब इसको ध्यान देखो भाई, इतना देखो और अभी देख के फिर भूल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन ना लो। ऑर्डर नंबर 30 से लेकर डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी कैसे होंगे ना, ये सारे ध्यान रखना इनको। ऑर्डर नंबर 30 से लेकर 36 तक पढ़ पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। अब पढ़ नहीं पाओगे ना, क्योंकि टाइम काफी निकल चुका है। ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 26 एक बार देख लीजिए। व्हेन द कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट स्टे लगा देगी? हाँ जी, कौन स्टे लगाता है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट लगाएगी, पुरानी कोर्ट लगाएगी?
से लिख रहा है a court with the decree has been sent for execution cell upon the sufficient court. एक चीज सुनना, stay automatically नहीं लगता है, stay के लिए application लगानी पड़ती है. तो जो agree party है ना, उसे लग रहा है भाई गलत execute हो रहा है, उसे court में जाना पड़ेगा. और वो executing court से कह सकती है भैया मेरे को stay लगवा दीजिए for the time. ठीक है, तो executing court can place a stay. तो ये ध्यान रखना. ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 26. ठीक है, मतलब इतनी सारी चीजें मैं इसको कैसे कवर करूं, ये हो ही नहीं पाएगा. बेसिक चीजें हैं इसमें. रूल नंबर 6 पढ़ लेना एक बार. कॉपी ऑफ डिक्री जाएगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बाद. ये बेसिक चीज है, आप कर लोगे. मेरे को लगता है आंसर देख के आप कर लोगे. ध्यान ये रखना कोर्ट के डिक्री के पीछे नहीं जा सकते एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, कि क्या डिसीजन रहा, क्यों रहा, लॉजिक क्या रहा. दे कैन नॉट डिसाइडेड. ओके, सेक्शंस पे तो हमने फोकस कर ही लिया है ना, सेक्शन का ही है ऑलमोस्ट. अटैचमेंट वाले देख लेना, ये आप रूल नंबर 64 से लेकर 106 तक सारे अटैचमेंट वगैरह से रिलेटेड. 64 से जो है ना जितने भी प्रोविजन है, 64 निकालिए एक बार. ये अटैचमेंट और सेल वाले हैं. पावर टू ऑर्डर प्रॉपर्टी अटैच टू बी सोल्ड एंड द प्रोसीड टू बी पेड टू डन टाइटल, अब ये सारे उससे रिलेटेड ही हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस करता है 97 में, रोकता वोकता है, तो ये पढ़ लेना आप. ठीक है, ये ध्यान रखना. बाकी ये अपने सेक्शंस तो पढ़ी नहीं, वहीं से मेरे को लगता है क्वेश्चन बनाएंगे. अगर अब इसमें बनाएंगे तो इट वुड बी एबल, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू राइट नाउ. ऑर्डर नंबर 22, डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज. अब कोई इंसान मर गया है या किसी की शादी हो गई है या इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो नो अबेटमेंट, केस खत्म नहीं हो जाता है. इफ द राइट टू सू सर्वाइव, अगर मुकदमा करने का अधिकार है, बरकरार है, राइट टू सू सर्वाइव है, तो मुकदमा खत्म नहीं होगा. इतना काफी है इसके लिए. ऊपर ऊपर से पहला रूल नंबर, ठीक है, पहला रूल ही देख लेना, दो देख लेना ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, और तो जरूरत है नहीं अभी देखने की फिलहाल. एक दो तीन, रूल नंबर 1, 2, 3 पढ़ लेना बस, अगर हो सके तो. ऑफ कोर्स ही बात है, डेथ हो गई तो दूसरी पार्टी जो है उसके एलआर प्लेस हो जाएंगे, रिकॉर्ड पे आ जाएंगे. ऑर्डर नंबर 23, इसके जो इम्पोर्टेंट है वो रूल नंबर, वैसे तो बहुत छोटा सा ही है, इसमें विड्रॉवल है, वो सूट को वापस ले लेना और कॉम्प्रोमाइज कर लेना. तो और रूल नंबर वैसे तो इसके 1, 2, 3 पढ़ने चाहिए, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रोमाइज सूट पढ़ लेना, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट रूल नंबर 3. जब पार्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेती है तो क्या है, वेयर इज द वेयर इट इज प्रूव्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट. जब कोर्ट ने कोर्ट को हमने बताया कि हम दोनों पार्टी ने सेटल कर लिया तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ये जरूर पढ़ लेना एक बार. ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना. ठीक है, अगर अभी मेरी क्लास के बाद जरूर एक बार प्लेन रीडिंग जरूर कर लेना. कॉम्प्रोमाइज में से क्वेश्चन आता है बार बार, विड्रॉवल में भी क्वेश्चन आता है. गो थ्रू वंस, एक नंबर मिस हो जाएगा नहीं तो शायद आपका. पेमेंट इन द कोर्ट, ऑर्डर नंबर 4, ये जो 24 है, कोर्ट को कई बार क्या होता है, पार्टीज को ये कहना पड़ता है कि भाई जो भी आपको अमाउंट देना है वो कोर्ट में आके जमा कराइए. जैसे रेंट हो गया, कोर्ट कैन से कि भाई पेमेंट इन द कोर्ट में आके डिपॉजिट करिए. या एमपी के अपने जो एकोमोडेशन एक्ट या फिर देखा है उसमें, अगर वो लेने से मना कर देता है रेंट, कौन क्या नाम है, लैंड जो क्या बोलते हैं उसको, लैंडलॉर्ड, उस सिचुएशन में ही कैन द मीन द टीनेंट कैन डिपॉजिट द रेंट इन द कोर्ट. फिर वो बाद में डिसाइड करता है रेंट कंट्रोलर के किसके पास जाएगा अल्टीमेटली. अगर उसका इशू ठीक है तो वो कोर्ट डिसाइड, रेंट कंट्रोलर डिसाइड कर सकता है. 25 कॉस्ट की बात करता है, सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही ऑर्डर में याद कर लेना. 26 जो है कमीशंस की बात करता है. कमीशंस को हमें पढ़ने से पहले सेक्शंस भी हैं इस पे. सेक्शन 75 वी आर डीलिंग विद द कमीशंस. सेक्शन
78 तक जो है ना एक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स है, 75 से लेकर 78 तक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, कोर्ट को जब आगे प्रोसीड करना है तो कई बार कुछ बीच में निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसमें हमें कमीशन भी एक है, पावर टू इशू द कोर्ट द कमीशन किस किस के लिए हो सकता है, आई एम श्योर ये आपको थोड़ा आइडिया भी होगा, टू मेक अ पार्टीशन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, ऑर्डर 26 में भी यही सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट यही सेम चीज़ है, बस का प्रोसेसर दे रखा है। 75 पढ़ोगे तो उसी को अप्लाई कर देना आपका नंबर ऑर्डर नंबर 26 पे। 75 पढ़ लो एक बार, एग्जामिनेशन ऑफ एनी पार्टी, लोकल इन्वेस्टिगेशन, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट, पार्टीशन करवाना है, मेट्स एंड बाउंड से अगर हमने प्रॉपर्टी नपवानी है तो कमीशन इशू हो सकती है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई प्रॉपर्टी स्पीडी डिके की है, खराब हो जाएगी तो उसको बिकवाना भी है तो भी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है, बिकवाना है तो फिर हमें क्या पार करना पड़ेगा, सेल करवाते हैं ना प्रॉपर्टी का, उसके लिए ऑर्डर नंबर 39 है। रूल नंबर कौन सा है? 6, इंटरिम सेल, याद रहेगा? यस सर। आगे चलते हैं, देखो अब दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो ऑर्डर कमीशन आप इतना ध्यान रखना, उसी का एक्सटेंशन है ये, अगर कमीशन की बात करें ना तो 75 में दे रखा है, उसी के रूल्स दे रखे हैं। अब ये तो मुझे लगता नहीं 27 वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, मन करे तो पढ़ लेना। 27 पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, वी मे लीव फॉर द टाइम बीइंग, बट एक चीज ध्यान रखना, 27 का जो ए है इसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात आई है तो सूट डलेगा, और उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ना है, अगर स्टेट का मैटर है तो एडवोकेट जनरल, और अगर सेंटर का मैटर है तो अटॉर्नी जनरल, बिकॉज दे आर द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देयरफॉर नोटिस हैज टू बी गिवन। भाई इतना ध्यान रखना है, बाकी मिलिट्री नेवल वगैरह को हम नहीं पढ़ रहे हैं, सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, एंड इनको छोड़िए फर्म्स और ये कैरिंग ऑफ अ बिजनेस, यू कैन डायरेक्टली लीव, ट्रस्टीज एग्जीक्यूटिव लीव, बट ध्यान रखना है 32 ध्यान में रखेंगे, माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ठीक है, इनके बिहाफ पे कोई और एलआर लग सक, इनका कौन है, इनका जो गार्जियन है, गार्जियन एड इडम होता है ना, गार्जियन एड इडम, एड लिटम गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, वो इनके खिलाफ, इनके गार्जियन डिफेंडेंट, माइनर डिफेंडेंट के लिए होता है, और नेक्स्ट फ्रेंड माइनर प्लेंटिफ के लिए होता है, ऐसा कुछ है? हां जी, नेक्स्ट फ्रेंड फाइल करे होता है प्लेंटिफ, और डिफेंड गार्जियन एड लिटम जब होता है, जब डिफेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं इसको डिटेल में बाद में बता देंगे, अब तो देखो इतना टाइम है भी नहीं, बट ये है कि क्वेश्चन है ना उसमें पूछा गया था, अभी दिल्ली लोअर जुडिशरी के जो इंटरव्यू हुए थे ना, तो जस्टिस हीमा कोहली ने पूछा था, एक स्टूडेंट है मेरी, वो हमें लकीली तो उनसे पूछा था भाई नेक्स्ट फ्रेंड कौन है। चलो तो ये अभी जस्टिस हीमा कोहली जी का भी तो ट्रांसफर हुआ है, ये ध्यान रखना है बस इसका इतना ही, कोई बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें से, आगे चलते हैं, कम ऑन क्विकली क्विकली, इंडिजन पर्सन ऑर्डर नंबर 33, इंडिजन पर्सन, इंडिजन पर्सन जब ऑर्डर 33 पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर 44 भी देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा नहीं है उसमें, एप्लीक अपील जो करता है उसमें, इंडिजन पर्सन यानी निर्धन व्यक्ति किस तरीके से ये सूट फाइल करता है, पहले ये एप्लीकेशन लगाता है अपनी, एप्लीकेशन पे इंस्पेक्शन होती है कि भाई ये वाकई में इंडिजन पर्सन है भी या नहीं है, एडमिट हो जाती है तो बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बाद में अगर जीत जाएगा तो वापस करनी पड़ेगी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, आई एम श्योर यू कैन आंसर इट, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, तो भाई इतना ही ध्यान रखना है, आगे चलेंगे ऑर्डर नंबर 34 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्पेशल केसेस है, मॉर्गेज पे अप्लाई होता है, ठीक है, मॉर्गेज वगैरह, अब पेपर इसमें हम
इतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है सबसे क्वेश्चन, आता है वैसे लेकिन अब इतना डिटेल में पढ़ नहीं पाएंगे। ऑर्डर नंबर 35 इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर क्या है भाई? मामला अल्टीमेटली प्लेंटिफ ने दावा डाला, दो डिफेंडेंट है, वो कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि भाई मैं फॉर द टाइम ही प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हूँ, जो आप दोनों लड़िए मुझे बता देना किसको हैंड ओवर करे। कई बार कोर्ट ऐसा कर सकते हैं, ये रूल में ही लिखा है, कोर्ट इसी वक्त इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, भाई आप जाइए अपना क्लेम ले लेना, ठीक है। इंटरप्लेटर सूट इसका कोई मकसद नहीं है, इसका सिर्फ चार्ज चाहिए इसको, इसको पैसा चाहिए जो इसका खर्चा लगा है इसको सूट को प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में। और इसको साथ हम पढ़ते हैं रेडवी सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, ये ध्यान रखना है इसका। अब आगे चलते हैं तो 35 तक हमारा हो गया, एक सेकेंड 35 36 ओके एक सेकेंड ठीक है। 34 तो मॉर्गेज वगैरह वाले थे, 36 तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर टाइम लगे तो देख लेना एक बार, जो 37 का जो रूल नंबर 2 है ना उसको जरूर देख लेना एक बार, पढ़ के जाना उसको, ठीक है। समरी जो प्रोसीजर है वो किन किन मामलों में होता है, कौन कौन से मामले समरी प्रोसीजर के, ये जरूर देख लेना। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज प्रोमिसरी नोट, सूट इन द प्लेंटिफ ओनली टू रिकवर अ डेट्स, जिसमें सिर्फ उसको अपना जो डेट्स है वो चाहिए, liquidated demands in the money payable to the defendant with or without interest on a written contract, enactment where the sought to be recovered is a fixed sum of money ho ya nature of the debt other than the penalty ho guarantee, where the claim are the principal in respect of the debt, liquidated demands only receivable in dues। ye ek baar pad lena 100% mujhe lagta hai yahan se question to banta hi hai, ab is paper mein pucha jaye na pucha jaye wo unki choice examiner ki, bhai itna hi hai isme, theek hai। summary sheet mein समरी सूट में लीव टू डिफेंड होता है, ठीक है, लीव टू डिफेंड 10 दिन, और अगर ये नहीं मिला सामने वाली पार्टी को, ट्राइबल इशू वो साबित नहीं कर पाया 10 दिन के अंदर, तो फिर जजमेंट आएगी। इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है, समरी प्रोसीजर, ठीक है। आगे चलते हैं, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। जजमेंट आने से कई बार ऐसा होता है, शंका है कि भैया ये तो प्रॉपर्टी खराब कर देगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो या अरेस्ट कर लो उसको। ऑर्डर नंबर 38 मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, एक बार देख लेना इफ यू कैन रीड इट, बट आई डोंट थिंक सो कि टाइम इतना है आप पढ़ पाएंगे इसको। ऑर्डर 39 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SRA हम पढ़ चुके हैं तो ये बचा ही नहीं कुछ अब इसमें। रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 में कुछ 3 वर्ड्स हैं उस पर ध्यान रखना, डेंजर, DDA याद कर लेना, DDA, ठीक है, डेंजर, डैमेज और एलिनेट करता है वो प्रॉपर्टी को। DDA की बिल्डिंग है ना दिल्ली में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उन चीज को ध्यान में रखता, डेंजर बींग वेस्ट, डैमेज एलिनेट करने की कोशिश करता है, ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी, और रॉन्गफुली सॉल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। फिर आप कर लेना इसमें नीचे की वर्ड्स बना लेना, ये है TIP, जैसे थ्रेट करता है, इंटेंडेड टू रिमूव है, और डिस्पोजिव, TID कर लेना, डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग इज क्रेडिटर, डिफ्रॉडिंग इज क्रेडिटर, ये ध्यान रखना क्योंकि आप भूल सकते हैं, तो इसलिए इन चीजों को कुछ कीवर्ड्स बना के रखना। द डिफेंडेंट थ्रेटन टू डिस्पोज ऑफ द प्लेंटिफ और द कॉज इंजरी, डिस्पोजेस कर देगा या इंजरी पहुंचा देगा, ये कुछ कीवर्ड्स है, ये ध्यान रखने हैं बस इसके, ठीक है। और रूल नंबर 2 जो है इसका, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटेशन कंटिन्यूस ब्रीच के लिए है, 2A भी सिविल, हाँ ये ध्यान रखना 2A के अंदर जो अगर वो ब्रीच करता है तो सिविल प्रिजन कितने महीने की, ये ध्यान रखना 3 मंथ्स की है, ठीक है, यहाँ पर ही 3 मंथ्स है बस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंटेम कर रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है तब भी इंजंक्शन को डिफीट कर रहा है, तो 3 महीने वो भी सिविल प्रिजन, ये ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स ही बात है, अब इसको पूरा पढ़ना तो आपको चाहिए था, अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ओके। तीसरा भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका,
कई बार बहुत अर्जेंट सिचुएशन में करना पड़ता है, तो फिर वो दूसरी पार्टी को ये बताएगा कि भैया मैंने एफिडेविट उसको नोटिस भेज दिया है सामने वाली पार्टी को, और उसके लिए वो एफिडेविट जमा कराता है, ठीक है। कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगी एप्लीकेशन जो है इंजंक्शन की। ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन में भी डिस्चार्ज वैलिड और सेट असाइड किया जा सकता है, और अगर किसी दूसरी पार्टी ने फ्रिवलस या गलत ग्राउंड पे इंजंक्शन ले लिया है तो उसकी पेनल्टी कहाँ पर है, उसकी पेनल्टी अंडर सेक्शन 95 में। कितनी पेनल्टी है? 50,000 रुपए तक, ठीक है। सेक्शन 95, सेक्शन 95, अंडर सेक्शन 95 लिख लीजिए ऑर्डर नंबर 4 के आगे। और रूल नंबर 6 क्या है? इंसिडेंटल इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स हैं, इसमें इंटरिम सेल है, पेरिशेबल नेचर की है तो उसको बेचा जा सकता है। अब केले हैं सड़ जाएंगे, ना किसी के रहेंगे, बेच दो, पैसा आ जाएगा, बाद में डिसाइड कर लेंगे किसको देने पैसे। ओके, रिसीवर देख लेते हैं। 40 ऑर्डर नंबर 40 रिसीवर। भाई रिसीवर क्या होता है? रिसीवर एक ऐसा इंसान होता है जो कोर्ट अपॉइंट कर देती है, हमारी प्रॉपर्टी पे कर दी, प्लेंटिफ ने दावा डाला, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे ही कर दी, और जो पोजीशन में था उसको भी हटा दिया जाता है। तो रिसीवर पूरा एज अ केयर टेकर काम करेगा, उसके फेवर में डिसीजन ले सकता है प्रॉपर्टी में, वट एवर द बेस्ट कैन बी डन। अगर इसने कुछ धांधलेबाजी कर दी है तो इसकी तक की भी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कोई धांधलेबाजी करता है तो इसकी प्रॉपर्टी तक भी जब्त हो जाती है। ओके, रिसीवर की सैलरी वगैरह कौन देगा? जिसके कहने पे वो रिसीवर अपॉइंट हुआ है, ये एक बार पढ़ लेना, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अभी टाइम की पॉसिटी की वजह से वी आर नॉट एबल टू डू इट। फिर अब हमारे पास एक बार सेक्शंस देख लेते हैं। 89 से हमने छोड़ा था। 89 एक बहुत बेसिक सी बात करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेट करता है। लेकिन कोई भी मामला जब भी कोर्ट में आएगा तो कोर्ट ये करके देखेगी, क्योंकि अब ये मैंडेटरी भी है एक तरीके का, कि जहाँ पे आर्बिट्रेशन पॉसिबल है, कंसाइलेशन, मीडिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू दी लोक अदालत, तो कोर्ट ऐसा करवाएगी, ठीक है। 89 इंपॉर्टेंट है। 91 एक बार देख लेते हैं। 91 पब्लिक न्यूसेंस से डील करता है। अच्छा, इससे पहले हमारे से गलती से मिस हो गए हैं, ये आपका 80 ध्यान रखना, 2 महीने तक का नोटिस दिया जाता है, 2 मंथ का नोटिस है। अगर आप किसी भी क्या नाम है, पब्लिक सर्वेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको, सूट फाइल कर रहे हैं कि कम से कम क्या पता गवर्नमेंट सेटल कर ले आपसे मामला, अगर ये ध्यान रख लेना है बस इसमें, कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रहे हैं तो सेक्रेटरी को नोटिस जाएगा, अगर आप रेलवे को कर रहे हैं तो GM को नोटिस जाएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ तो चीफ सेक्रेटरी को, बस इतना ध्यान रखना। ओके, आपने क्या किसके लिए कहां पे बताया? सेक्शन नंबर 80 पढ़ लेना, सेक्शन नंबर 80 पढ़ लीजिए। 80 के अंदर लिखा है ना ये सारी अथॉरिटीज। यस सर, यस सर। 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आए हुए हैं। ओके, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो सेक्शन 94 है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में क्या क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस, सेक्शन 94 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 94 प्रीलिम्स के लिए। सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, भाई हाँ मैं अपीयर हो जाऊंगा, सिक्योरिटी दीजिए। सिक्योरिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी और अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैच भी की जा सकती है, ठीक है। इंजंक्शन इशू किया जा सकता है, सेक्शन सी में लिखा है इसके, 94 का सी। रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, एंड द लास्ट वन इज इंटरलॉकेटरी ऑर्डर, ये सारे हैं, ये पढ़ लेना। 95 मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ से अपील स्टार्ट हो जाती है और मैं अपील पे रुक भी गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 3 दायरे हैं, एक तो अपील है, अपील के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका रेफरेंस, फिर आएगा रिवीजन, फिर आएगा रिवीजन, एक मिनट इसको रिव्यू कर लेता हूँ मैं, रिवीजन,
देखो एक चीज देखो, अल्फाबेटिकली देखना, ए पहले आ रहा है ना, आर है, आर के बाद ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ है रेफरेंस, यहाँ क्या है, वी है, वी के बाद आई है और ई है, यहाँ के बाद वी आई एस है, तो इसी सीक्वेंस में याद करना इसको, ठीक है? एम आई राइट? ठीक है सर, अब ये क्या है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, है तो बहुत बड़ा टॉपिक, एक चार्ट सा बना लेते हैं, याद हो जाएगा। सेक्शन तो याद होंगे आप लोगों को, एक चार्ट बना लेते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाता है, कुछ है नहीं इसमें, बड़ा सिंपल सा है। ओके देखो एक चीज ध्यान रखना, अपील के जो प्रोविजंस है सेक्शन 96 से लेकर 112 तक है, और इसमें फिर 5 तरीके के ऑर्डर को कवर किया गया। ऑर्डर्स कितने हैं इसमें, 5 ऑर्डर कवर कर रखे हैं। पहला ऑर्डर 41, इसमें रूल है 1 से लेकर 37 तक। सेक्शन 96 है, रेड विद सेक्शन 96 हो गया, 96 या रेड विद ऑर्डर नंबर, ये बात करता है अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री की बात करता है। दूसरा ये है अपील ऑर्डर नंबर 42, दैट डीलिंग विद अपील फ्रॉम एपिलेट डिग्री। इसमें कितने रूल्स हैं, 1, 2, 3 है, बड़ा सिंपल सा है, इसी के रूल्स ये फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, अपील फ्रॉम, यहाँ पे फर्स्ट अपील हो गई ना एक तरीके की, ये सेकेंड अपील हो गई एक तरीके की, सेकेंड अपील, अपील फ्रॉम एपिलेट डिक्री, यानी अपीलेट डिक्री के बाद भी हम अपील कर रहे हैं। और सेक्शन कौन से लग जाएंगे इसमें, सेक्शन तो 96 से 112 है ही, लेकिन सेक्शन 100 है जो सेकंड अपील पे चलता है, ठीक है? सेक्शन 100 अभी पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे एक बार। इसके बाद आता है थर्ड हमारे पास है सही ऑर्डर नंबर 43, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर जो इसका 1 है वही इंपॉर्टेंट है, 1 एंड 2, वैसे 1 में ही है सब कुछ। और सेक्शन नंबर कौन सा है, 104, ये सारा पढ़ लेना एक बार। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अपीलेबल है, तो ये अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, अपीलेबल क्या है, ऑर्डर्स हैं। फिर आता है ऑर्डर नंबर 44, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। 45 अपील इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कितने दिन में हो जानी चाहिए, 60 डेज, ओके। और इसके लिए कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं आप, हाँ जी 109 पढ़ेंगे, ठीक है 109, ओके। अब ये आता है रेफरेंस, रेफरेंस के लिए क्या पढ़ेंगे आप, 113, सेक्शन 113, 114, 115। सबसे अच्छी खासियत बात क्या है, रिवीजन का कोई भी ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नंबर 45 तक यहाँ पढ़ लिए, ऑर्डर नंबर ये हो गया 46, ये हो गया ऑर्डर नंबर 47, आपका हो गया कवर ये सारा। अब एक काम करना, रेफरेंस कब होता है, सिर्फ हाई कोर्ट को जाएगा ये। रेफरेंस कब जाता है, जब कोई एक्ट है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशन है, कोई बायलॉज है, ठीक है, जिसके चलते हमें कोई डाउट आ रहा है, ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, हमें हाई कोर्ट से पूछना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, वैलिडिटी ऑफ एक्ट वगैरह, तो हम हाई कोर्ट से पूछेंगे, नीचे वाली कोर्ट पूछेगी मैं करूं क्या, तो हाई कोर्ट उस चीज को डिसाइड करके नीचे वाली कोर्ट को कह दी कि भाई इस तरीके से डिसाइड करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है 2 कोर्ट की जजमेंट्स है, हमें नहीं समझ में आ रही किस कोर्ट की माने, लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर दिल्ली की जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की, तो हम दिल्ली की हाई कोर्ट की जजमेंट मानेंगे, दिल्ली में रह रहे हैं तो, बाकी दूसरे की कोर्ट की परसुएसिव वैल्यू है। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू क्या है, अपने डिसीजन को दोबारा देखना। अब ये सेम ही कोर्ट में लगता है, सेम कोर्ट ना ही, इसमें रिव्यू कब लगेगा, जब अपील नहीं है, नो अपील, पहला ग्राउंड, लेकिन अपील थी, अपील आपने प्रेफर्ड नहीं करी, आपका टाइम खत्म हो गया। अपील पहला तो सिचुएशन है, अपील थी ही नहीं तो रिव्यू, अपील थी आपने प्रेफर्ड नहीं करी, ठीक है। एरर ऑन द फेस ऑफ इट्स रिकॉर्ड, एरर ऑन द फेस ऑफ, साफ साफ नजर आ रहा है आपसे कुछ गड़बड़ हुई है, देख लीजिए दोबारा। रिवीजन कब होता है, रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन के मामले को लेकर होता है, ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन में 3 थोड़े मेन पंगे आते हैं, एक होता है एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है अब्यूज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन,
ठीक है, जब उस मामले में अपील नहीं बन पा रही है, एक बार में और एक और ग्राउंड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी रिवीजन में, रिवीजन के मामले में, मेंस में तो मैं आपको सारा करा ही दूंगा। हाँ जी क्या जस क्या बोल रहे हैं, फेलियर एक दो को इसमें हो गया, एक तो नॉट वेस्टेड इलीगली एक्साइज या फेलियर, ठीक है, और रिवीजन कहाँ जाता है, रिवीजन हमेशा हाई कोर्ट में जाएगा, रेफरेंस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट, रिवीजन सिविल मामले में हमेशा हाई कोर्ट जाएगा, क्रिमिनल मामले में कोर्ट ऑफ सेशन जाती है रिवीजन, बट सिविल मामले में हमेशा हाई कोर्ट ही जाता है, ठीक है भाई, इतना ही करना है आपको, एक बार आप देख लेना और क्या कराया जाए, एक बार देख लेते हैं, 45, 46, 47 खत्म, 48 चार्टर्ड हाई कोर्ट आता ही नहीं है उसमें पेपर में, अपील के जो सेक्शन है 96 पढ़ लेना एक बार, ठीक है, एंड 96 के बाद आप एक बार 100 पे फोकस जरूर कर लेना, सेकंड अपील कब होती है, सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी, एक चीज ध्यान रखना जब सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस वर्ड भी लिखा होगा, हाँ जी यस सर, यस सर, और 102 देख लेना एक बार सेक्शन, 102 में क्या लिखा है, नो सेकंड अपील इन, जहां पे 25,000 रुपए से कम का मामला है ना, कोई सेकंड अपील नहीं जाएगी, ये याद रखना। और रही बात इसकी, एक बार 104 देख लीजिएगा, 104 के जो ऑर्डर्स हैं, फ्रॉम विच अपील लाइज, 35A यानी कॉस्ट के मामले में अपील जाएगी, 91 यानी न्यूसेंस वाले मामले में अपील जाती है ऑर्डर के खिलाफ भी, 92 में चली जाएगी, 95 क्या है, 50,000 रुपये कंपनसेशन दिया गलत वहाँ पर चली जाएगी, अरेस्ट वरेस्ट वाले मामले में चली जाएगी, ठीक है, ये 104। अच्छा 107 इंपॉर्टेंट है, 107 में क्या लिखा है, 107 में लिखा है अपीलेट कोर्ट की पावर क्या है, अपीलेट कोर्ट डिटरमाइन द केस, फाइनली डिसाइड कर ले, रिमांड पे भी, तो रिमांड बहुत मुश्किल होता है, बड़ी हार्श रेमेडी है, नीचे वाले कोर्ट को रिमांड के लिए केस भेजना भैया इस तरीके से डिसाइड करे, थोड़ी सी हार्श रेमेडी, फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगी, क्योंकि इनको ट्रायल करो, एडिशनल एविडेंस ले लेगी, 109 देख लेना एक बार, ठीक है, दो कंडीशन है 109 में, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, सुप्रीम कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट को लगता है, मैटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू एक बार आप पढ़ लेना, मैंने आपको आइडिया बता ही दिया क्या आप करेंगे, ठीक है। अच्छा तीन जो पॉइंट थे, ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड, फेल टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, इररेगुलरिटी, आई एम श्योर अब ये तो बेसिक सी चीजें आप कर ही लोगे, अब आपको बचा नहीं है, एंड रही बात इसकी, अब एक बार 132 देख लीजिए, सेक्शन 132 एक बार देख लीजिए, 132 एग्जम्पशन ऑफ अ सर्टेन वुमन फॉर पर्सनल अपीयरेंस, कई बार ऐसी होती है कोई पर्दाशीन लेडी है उनको हम एग्जम्पशन दे देंगे, बट ऑफ कोर्स ही बात है भाई अगर उसको अरेस्ट करना तो अरेस्ट करो, क्या पर्दाशीन लेडी। 133 में कुछ एग्जम्पशंस हैं वो देखना बहुत जरूरी रहेगा, एग्जम्पशन ऑफ अदर पर्सन, कुछ डिग्निटरीज हैं उनको एग्जम्पशन दी जाती है, एमएलए को नहीं दी जाती थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी फ्रॉम अरेस्ट और डिटेंशन, एमएलएज और एमपी को नहीं दी जाती थी, इसको 135A में ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, बहुत पुराना टाइम है, 1925 में ही कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रहेगा, यस सर, याद रखना ये, 135 और देख लो, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, ना ही कोई जज ना मजिस्ट्रेट, सिविल प्रोसेस जब वो अपनी क्या नाम है आ रहे होंगे जा रहे होंगे वाइल गोइंग अ कोर्ट, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, ठीक है, ऐसे ही वकील साहब को भी कुछ एग्जम्पशन दे रखी है, ओके बस ये देखना है और कुछ नहीं है, 40 दिन की बात तो है ही हमारे 135 में लिखी है, फिर आप आ जाइए सीधा खत्म करते हैं इसको, अब आप आइए 144, यू हैव डन इट, 148 ध्यान रखना है, 148 ध्यान रखना है बिल्कुल, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम कितना होगा, 30 दिन दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, इनलार्जमेंट 30 दिन, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल, केवियट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, केवियट जो होता है 90 डेज की वैलिडिटी है, क्या केवियट थर्ड पार्टी कर सकती है, क्या केवियट थर्ड पार्टी लॉज कर सकती है या पार्टी सूट होनी चाहिए,
जल्दी बता दीजिए। थर्ड पार्टी ही तो होती है। थर्ड पार्टी इन द सेंस एक तो मेन पार्टी हो गई, ए और बी के बीच में मुकदमा है तो बी फाइल करता है, तो थर्ड पार्टी कहने का मतलब है कोई भी पार्टी जिसका राइट इंटरेस्ट जो इफेक्टेड होगा वो फाइल कर सकता है केविट, वो भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा 151 तो आप सबको आता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। चलो 152 आप सबको आता है, क्लेरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक्स। ओके चलो भगवान का नाम लीजिए, खत्म कीजिए, डन।